नमस्ते ऑल। सबसे पहले आज का केस जो है वो बहुत सारे लोगों ने पढ़ा है। मैं चाहूंगा कि कोई एक आकर के वो केस पढ़ेंगे पूरा, जिसको केस अच्छे से समझाए। या मैं नरेट कर देता हूं एक बार। ये केस है एक 30 ईयर यंग मैन का, और इसको कंप्लेन किडनी स्टोन था। राइट साइड और लेफ्ट साइड, राइट साइड में 9 mm था और लेफ्ट साइड में 7 mm का स्टोन था इसको। और इसको पेन था, पहले पेन हो रहा था, लेकिन ये उस टाइम इसने इंजेक्शन लिया था पेन किलर का, तो उससे पेन इसका कम हो गया था, लेकिन इसका यूरिन में बर्निंग वगैरह बहुत था और हल्का हल्का पेन इसको बना हुआ था। तो ये मेरे पास मेरा एक पेशेंट था, और उस पेशेंट को एक छोटा सा लिम्फ नोड यहाँ पर बढ़ गया था, ग्रोथ कर गया था, तो उसका ट्रीटमेंट दिया था तो वो सही हो गया था। तो उसका रेफरेंस से ये पेशेंट मेरे पास आया था। ये लड़का का घर में जो है सो माँ है, फादर है, वाइफ है और 3 बच्चे हैं। घर में जो माँ है वो हाउसवाइफ है, फादर ट्यूशन पढ़ाते हैं और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं, कोई काम नहीं करते, ज्यादातर वो बीमार रहते हैं, माँ भी बीमार रहती हैं और वाइफ भी हाउसवाइफ है, और इसके 3 बच्चे हैं। ये कमाने, ये बंदा अकेला कमाने वाला है। इसका फैमिली में और जैसे माँ फादर सब एज हैं, तो वो ज्यादा उनको कोई जॉब नहीं है या काम वगैरह, कमाने का जो सोर्स ऑफ इनकम है वो यही इसका बेटा करता है। मैंने इस पे क्या देखा था ना कि ये पेशेंट जब आया था तो मुझे ये नमस्ते किया हाथ जोड़ करके, और इसका फेस जो था बहुत दुखी लग रहा था देखने में, और पेन पेन उसके चेहरे पे दिख रहा था और एक फ्रॉनिंग दिख रहा था उसके हेड पे। उसका टोन जो था सो बहुत ज्यादा माइल्ड नहीं था, बट इरिटेबल टोन था। तो मैंने बोला उसको कि बोलिए मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। तो पेशेंट बोला मुझे किडनी स्टोन है और पेशाब में बर्निंग हो रहा है। फिर मैंने बोला कि रिपोर्ट करवाए आप, तो पेशेंट बोला नहीं हम रिपोर्ट अभी नहीं कराए हैं। तो मैंने बोला कि हो सकता है तुझे स्टोन की समस्या होगी, क्योंकि जिस तरह दर्द और बर्निंग वो जो सब सिम्टम दे रहा था, यूरिन भी उसका जो है सो कलर थोड़ा येलोविश टाइप के हो रहा था, तो वो चुप हो गया। जब मैं बोला कि तुझे हो सकता है स्टोन है, तो वो चुप हो गया, वो ज्यादा कुछ बोला नहीं। तो मैं बोला ठीक है, चलो मैं मेडिसिन देता हूँ आपको, लेकिन बाद में फिर आप रिपोर्ट करा लेना, और जब आप यूरिन के लिए जाओगे अभी तो आप देखना अच्छे साफ जगह में करना, अगर वो गिरे आपको लगेगा कि कुछ बाहर आ रहा है तो आप उसको ध्यान देना। तो उसके बाद मैंने इसका केस लिया, तो वो बोला ठीक है। मैं बोला घर पे कौन कौन है, तो उसने वही बताया कि माँ है, पिताजी हैं और वाइफ है और 3 बच्चे हैं। तो मैंने उसको बोला ना कि ये जो अस्टोन होता है ना, तो अस्टोन ज्यादातर इसका जो मेटाफोरिकल मीनिंग होता है कि जहां पर आप गुस्सा को जो है ना डिजोल्व नहीं कर पाते, वो अस्टोन बन जाता है, एंगर का इशू रहता है। तो मैंने बोला यार गुस्सा क्यों और किस बात पर तुझे बहुत आता है, गुस्सा क्यों और किस बात पर तुझे बहुत आता है, मैंने ये क्वेश्चन किया। तो उस पहले वो बंदा जो था वो डिनाई किया कि नहीं गुस्सा तो नहीं आता, और स्माइल दिया
और थोड़ा हेजिटेशन उसका फेस में दिखा, जैसे आप खुल करके नहीं बताना चाहते हो ना वैसे। तो मैं बोला डॉक्टर, फिर देखो क्लियर, मैंने बोला उसको देखो क्लियर बताओ, तब मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो पेशेंट बोलता है कि टेंशन बहुत होता है और चेहरा उसका दुखी हो गया। मैं, क्या टेंशन होता है? मतलब पैसे का टेंशन है, घर चलाना मुश्किल पड़ता है, जॉब भी प्राइवेट जॉब करता हूँ, 12,000 मिलता है, उससे सारा खर्चा चलाना मुश्किल पड़ता है। अगर हम ग्रोथ आगे हम ग्रोथ करना चाहते हैं, और इसके लिए और भी मेहनत कर रहा हूँ, कैसे हम आगे बढ़े, बट टेंशन बहुत रहता है पैसे को लेकर के। मैं बोला और? तो पेशेंट बोलता है कि घर में मदर फादर हैं, वो इस एज में क्या कर सकते हैं, फादर मदर को भी तकलीफ रहती है, वो भी बहुत बीमार रहते हैं। तो मेरे ऊपर सब रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, मतलब घर की जो फैमिली के जो बच्चे की सब जिम्मेदारी इसी के ऊपर होता है, और चिल्ड्रेन की फैमिली की सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर रहती है, और ये शुरू से ही संभाल रहा है ये बंदा। तो मैं पूछता हूँ तो ये दिन रात मेहनत करता है और सब अच्छे से चले ये कोशिश करता है, ये फैमिली को मतलब जो रिक्वायरमेंट होती है, जो नीड होती है, उसको देने के लिए ये बहुत मेहनत करता है ताकि उन जरूरतों को पूरा किया जा सके। मैं इनको और तो चाहता हूँ कि और ये बताए मुझे और क्या क्या दिक्कतें हो रही है। मैं इसको और बोला आगे बताओ, तो इसने बोला मेरी क्योंकि इसने अभी तक मैंने ये थ्रेड छोड़ा नहीं है केस में। एक थ्रेड होता है ना, उसको पकड़ के अपने को केस टेकिंग करना चाहिए। जैसे अभी तक मैंने एंगर का इशू पूछा, तो एंगर का इशू में क्या बता रहा है, ये अपना टेंशन बता रहे हैं, लेकिन इसका एंगर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसका एंगर कहाँ से उसका बन रहा है, वो एंगर कैसे रिएक्ट कर रहा है, मुझे वो चीज देखना था। तो मैं इसका आगे और गया, इसको छोड़ा नहीं मैंने। तो मैं बोला आगे और बताओ। तो ये बोलता है मेरी वाइफ मेरा सपोर्ट नहीं करती, उसका कहना रहता है आप चलो मुझे सिटी में रखो, मतलब ये लड़का जहाँ जॉब करता है, तो वो बोलता है कि आप मुझे उधर ही रखो अपने साथ, मुझे आपका जो ये जो बूढ़े माँ बाप हैं, मुझे इनके साथ काफी काम करना पड़ता है, और इनके साथ मुझे जो केयर वगैरह लेनी पड़ती है वो मेरे से नहीं होता है, और वो इतना करने के बाद भी बहुत सारा बातें सुना देती है, बहुत बोल देती है, ये चीजें उसको हर्ट करता है। तो इसलिए कहते हैं कि नहीं मुझे सिटी में ही रखो, मैं सिटी में ही रहूंगी आपके साथ, वहीं रहेंगे हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे। तो इसके आगे तो मैं यहाँ इतना काम नहीं कर सकती, मेरे मदर फादर को भी सुना देती है, मुंह लगा देती है, मुझे ये चीजें बहुत तकलीफ देता है। इसका ये चीज मेन था कि इसको ये चीजें बहुत तकलीफ देता है, कि इसके माँ फादर की जो केयर लेना चाहिए वो उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, उतना समझदारी के साथ उनकी वाइफ नहीं लेती है। मुझे इसी बात पर बहुत गुस्सा आता है, लगता है वाइफ को बहुत मारूं, लेकिन फिर सोचता हूं अगर झगड़ा होगा तो बच्चों को तकलीफ होगी। मतलब अब अभी क्या ये सोच रहा है कि अगर मैं वाइफ को बोल दिया या घर में अगर कलह हो गया तो फिर क्या होगा, कि फिर ये फालतू का झगड़ा में बच्चे लोग जो है इफेक्ट हो जाएंगे, उससे बढ़िया है कि शांत रहो चुप रहो वो ठीक है। इसलिए बच्चों के लिए मैं चुप रहता हूँ, मैं साइड चला जाता हूँ। मैं पूछता हूँ और कुछ? तो पेशेंट बोलता है कुछ समय में मामला फिर शांत हो जाता है, सुलझ जाता है। अच्छा, मदर और फादर से कितने अटैच हो आप?
मैं ये सवाल करता हूँ, क्योंकि ये जो बंदा है अभी, क्या है ना, अपन जब केस टेकिंग करते हैं ना, तो केस टेकिंग में हमें क्या पूछना चाहिए ना, ये भी हमें सीखना चाहिए कि हमें कैसे क्वेश्चन करना चाहिए। अभी जैसे क्या है ना कि मैं सारा केस टेकिंग आपको प्रॉपर यहाँ लिख के दिया हूँ, तो कई लोग क्या है ना कि प्रॉपर केस टेकिंग नहीं समझ पाते, तो पूरा केस में वो निकाल ही नहीं पाते कि उसे क्या पूछना चाहिए और क्या नहीं पूछना चाहिए, फिर पूरा केस बाहर नहीं आता, तो ऐसे भी केस सॉल्व करने में दिक्कत आती है। तो मैंने ये सवाल इसलिए किया था कि मदर और फादर से कितना अटैच हो, क्योंकि इसने क्या बोला कि मेरी वाइफ जो है मेरे मदर फादर के प्रति उतना केयर नहीं लेते, तो मैं ये चीज देखना चाह रहा था कि ये अपने अपने मम्मी और पापा के प्रति बहुत ज्यादा अटैच है क्या, या बहुत ज्यादा उससे लगाव है क्या, तो वो अटैचमेंट मैं समझना चाह रहा था। पेशेंट बोलता है, सर मैं अपने फैमिली से बहुत अटैच्ड हूँ, मैं अपने से इतना प्यार करता हूँ, अपनों से इतना प्यार करता हूँ कि उनके लिए मैं रात रात भर जागता हूँ, उनकी केयर करता हूँ। मतलब ये फैमिली की बहुत केयर करने वाला बंदा है और फैमिली से बहुत अटैच है। अगर वाइफ बीमार पड़े तो वाइफ के लिए भी खूब केयर करूंगा, बच्चे बीमार पड़े तो बच्चे के लिए भी खूब केयर करूंगा, मदर फादर को कुछ हुआ तो उनकी केयर करूंगा, लेकिन मेरे मन में मदर के प्रति बहुत प्यार रहता है। मतलब इनका जो लगाव है माँ के प्रति बहुत ज्यादा है, लेकिन ये फैमिली में सबकी केयर करता है, चाहे वाइफ हो चाहे बच्चा हो, है ना, भेदभाव नहीं करता, सबसे करता, लेकिन माँ के प्रति इनकी लगाव ज्यादा है, मेरा लगाव मदर से बहुत ज्यादा है। डॉक्टर, और बताओ। तो पेशेंट बोलता है, मुझे मेरे रिलेटिव जो मेरे रिश्तेदार हैं उनको तबीयत खराब हुआ तो मैं बहुत चिंतित हो जाता हूँ। देखिए, इनका इनका जो नेचर है, कोई भी रिश्तेदार में भी अगर किसी को दिक्कत हुआ तो इनको चिंता होने लगती है कि वो कैसे होंगे, किस तरह से होंगे। उनको अगर जरूरत पड़ा तो मैं रात दिन रात कुछ नहीं देखता, उनका हेल्प के लिए मैं हर समय खड़ा हो जाता हूँ। मैं दूसरों के हेल्प के लिए बहुत सोचता हूँ और करता भी हूँ। डॉक्टर, पहले आपका स्वभाव कैसा था? तो मैं इसका स्वभाव जानने का प्रयास करता हूँ कि इसका ये नेचर अभी हुआ है कि पहले से इसका शुरू से ही ऐसा नेचर है। तो पेशेंट बोलता है, मेरा स्वभाव बहुत गुस्सा वाला था, कोई कुछ बोल दिया तो सामान पटक देता था। मतलब शुरू से ही इसका नेचर जो है बहुत गुस्सा वाला था। मेरे अनुसार घर में नहीं हुआ तो मैं चिल्लाने लगता था, चीखने लगता था। मतलब हर चीज जो है इसका विल के अनुसार से होना चाहिए, अगर विल के अगेंस्ट अगर कुछ होता था तो इसको बर्दाश्त नहीं होता था। लेकिन अभी पूरा उल्टा हो गया, जस्ट अभी सारा चीज इसका उल्टा हो गया। अभी मुझे फियर होता है, मुझे डर होता है कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर मैं कुछ बोला तो वाइफ झगड़ा करेगी, उसके चलते बच्चों को इफेक्ट होगा, मेरे बीमार माँ बाप को दिक्कत होगा, इसलिए गुस्सा शांत करता हूँ और मैं साइड चला जाता हूँ। मुझे लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है, मुझे शांति चाहिए, प्यार से रहे, एक दूसरे का हेल्प करते हुए जिए। लेकिन गुस्सा जब आता है तो लगता है सब विनाश कर दो, सब ब्लास्ट कर दो, दिस इज एंगर। मैं भी इसमें शॉक रह गया कि बाप रे कितना गुस्सा है इसको। उसके बाद फिर बोलता है, मैं इतना आज तक किसी को नहीं बताया, मतलब जितना मुझे आज केस टेकिंग में मैंने सब कुछ जब इससे पूछी तो इसने सब कुछ बताया, बोला आज तक मैंने इतनी बातें किसी को नहीं बताई थी। डॉक्टर, पेन के टाइम में क्या करता है, मन क्या करता है? पेशेंट, मैं अकेला रहना चाहता हूँ, कोई पास में नहीं चाहिए, कोई अगर उस टाइम डिस्टर्ब करता है या मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो पड़ता। मतलब ये बंदा क्या है ना, जब कोई भी तकलीफ होती है ना तो अकेला जा करके साइड में कहीं बैठ जाता है, ये और उसके सामने अगर कोई जाता है, जैसे कोई खाना
के लिए बोलने गया या किसी तरह का बात करने के लिए उसे गया, तो वो चाहता है कि मैं अकेला रहूं, अकेला बैठूं, और शांति से वो अपने आप को हैंडल करता है, लेकिन वो डिस्टरबेंस पसंद नहीं करता, बाधा पसंद नहीं करता। ज्यादातर मैं घर में भी नहीं बोलता हूँ अपनी तकलीफ, ये घर में भी नहीं बोलता। कुछ भी दिक्कत हो तो मैं कहीं भी अकेला शांत से बैठता हूँ, तब मुझे अच्छा लगता है। ऐसे टाइम में म्यूजिक सुनना बहुत पसंद है वो, और वो भी कौन सा म्यूजिक सुनता है ये, इसने एक प्रॉपर म्यूजिक बताया कि राग होते हैं ना, जिसमें प्रॉपर एक संगीत, एक राग जो होते हैं ना, एक धुन जो होती है ना, जिसमें हम लोग फ्लूट की ध्वनि सुनते हैं या तरह तरह के वादक की संगीत सुनते हैं, तो वैसा संगीत ये सुनता है, और ऐसे म्यूजिक सुनने से उसका मन शांत हो जाता है। तो ये था पूरा पूरा केस इसका, और मैंने पूरा केस नरेट किया है, और आप सब ने भी आज ग्रुप में मैं देखा, बहुत सारे लोगों ने रेमेडी क्रैक भी की है और बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट बहुत अच्छा किया है। तो मैं चाहूंगा कि अब डॉक्टर अच्छे लाल सर वो आए और इस केस का अपना अंडरस्टैंडिंग शेयर करें कि इस केस में उन्होंने कैसे अंडरस्टैंड किया है। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ सर, मैंने अपना एनालिसिस डाल दिया था, क्योंकि आज मैं बहुत बिजी था सर, फिर भी थोड़ा समय निकाल कर मैंने एनालिसिस किया, और जो मैंने एनालिसिस किया है उसको पढ़ के सुना देता हूँ। मैंने पहले तो जनरली जब देखा तो मुझे लगा कि कहीं न कहीं ये भी स्टेफिसग्रिया की तरफ जा रहा है, लेकिन सर आपने कहा था कि बिना एनालिसिस का मत डालिएगा चार्ट, तो मैंने इसको समय दे करके पढ़ा और जगह जगह पर रूब्रिक्स बनाए, तो मैंने कुछ चीजें छोड़ दिया और जहां मुझे लगा कि यहाँ कुछ महत्वपूर्ण रूब्रिक्स बन सकते हैं तो मैंने उसको लिया। तो मैंने देखा कि इस पेशेंट को लगता है कि सभी लोग मेरे ऊपर डिपेंड हैं, तो मेरे हिसाब से एक रूब्रिक मैंने ढूंढा, डिल्यूजन एवरीथिंग इज डिपेंडिंग ऑन हिम। ये बंदा बहुत केयरफुल है, सबकी केयर करता है, अपने बच्चों की, पत्नी की, रिलेटिव्स के, मदर फादर सबकी। तो केयरफुल ऑफ एंड केयरफुल ऑफ अदर्स अबाउट, ये रूब्रिक्स बनते हैं। अगर ज्यादा केयर करने से इसमें प्रॉब्लम्स आई हैं तो एलिमेंट्स फ्रॉम केयर्स एंड वरीज भी हो सकता है। दूसरों को दुख में मदद भी करता है, तकलीफें चाहे रिलेटिव्स के हों, दोस्त के हों, मित्रों के या फिर किसी के भी हो, देखता है तो उसको तकलीफ होती है और मदद के लिए दौड़ता है। जी, आप तो कैमरा देखेंगे अपना, हाँ सर, आप अपना कैमरा ऑन करेंगे? ठीक है सर, ओके। हेलो, सर ये अभी हो नहीं रहा, सेटिंग में कुछ दिक्कत है क्या लगता है? हाँ आप कैमरा ऑन करिए ना। नहीं हो रहा है? नहीं सर, यहाँ से लगता है सेटिंग में कुछ परमिशन मांग रहा है। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू करिए, चलिए लेट होगा फिर। 1 मिनट सर, 1 मिनट।
सर जी कंटिन्यू करिए, फिर टाइम। हेलो हेलो, हमारा आवाज जा रहा है आप सब तक? जी सर, हाँ सर, आपका आवाज सुनाई दे रहा है। अचलन सर, आप वीडियो जो है ना, हाँ हाँ सर, चलो सर। अभी हाँ दिखा सर, सर। हाँ हाँ ठीक है, बताओ। हाँ सर, ओके ओके। हाँ सर, तो मुझे लगा कि ये बंदा काफी केयरफुल है, और उसके साथ साथ ये बेनिवोलेंस, फॉर्चुनेट टू अदर्स, लेस, ऐसे करके एक रूब्रिक है। हाँ सर जी अभी क्या है सर, ना, आप रूब्रिक नहीं बताइए, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग बताइए केस को लेकर के, कि आपको जी पूरा केस में क्या समझा है ना। रूब्रिक तो हम बाद में लगाएंगे, सबसे पहले हमें एक केस को समझना चाहिए। हम केस की उस मॉर्बिड मॉर्बिड स्टेट को समझना चाहिए कि उसका मेन पॉइंट कहाँ पर है और हमें किस टारगेट पे हिट करना है ना। तो जी सर, वो आपने क्या समझा ना, वो बताइए। हाँ सर, मुझे तो ऐसा लगा कि ये बंदा काफी रेज है इसके अंदर, अपनी पत्नी को लेकर के जो अनसपोर्टिव है, और इससे जीत करती है कि मुझे सिटी में लेकर रहिए, तो इस वजह से वो काफी रेज, एंगर से अपर हम लेवल ले सकते हैं सर। और वो रेज, जबकि हम ये जानते हैं कि रेज में कोई भी बंदा कुछ न कुछ ऐसी एक्टिविटी करता है, रिएक्शन दिखाता है, लेकिन ये कंट्रोल करता है। इसका एक अलग एक थीम मिलता है यहाँ पे, एक कुछ न कुछ, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि एक अलग कोर है इसका, कि रेज है बंदे में लेकिन कंट्रोल्ड है। एंगर तक तो हम मानते हैं कि काफी लोग कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन रेज कंट्रोल करना ये कुछ अलग है। दूसरी चीज कि सही हाँ सर, या इस बंदे को हार्मोनी डिजायर है या झगड़ा पसंद नहीं है, बोलता है कि हमारे परिवार में पत्नी जो है सबसे मिल कर रहे, पूरा परिवार एक साथ रहे, खुशी खुशी रहे, सभी लोग झगड़े ना हो, जहां भी झगड़े होते हैं उसको अवॉइड बोलती करता है। हाँ जी, जी सर जी, आगे और कंटिन्यू करिए। हाँ जी। इसके बाद ये जब कभी भी इसको गुस्सा आता है सर, तो ये करता क्या है, अपने आप को वहां से हटा लेता है, परिवार में जहां भी, बहुत ज्यादा बोलता नहीं, गुस्से के समय हट जाता है, और ऐसे स्थान का चुनाव करता है जहां पर उसे कोई डिस्टर्ब न करे, यानी वो एकांत चाहता है, और वो चाहता है कि मुझे वहां कोई डिस्टर्ब न करे, यानी कंपनी एवर्जन, बिल्कुल वो कंपनी नहीं चाहता, एकांत में चला जाता है। और जब ज्यादा गुस्से में ये बोलता है कि मुझे ज्यादा गुस्से आते हैं, गुस्सा होता हूँ, तो इसको कंट्रोल करने का उसका एक बहुत अच्छा तरीका उसको मिला, म्यूजिक एमेल्योरेशन। वो म्यूजिक सुनता है, और ऐसे म्यूजिक जो मेलोडियस टोन हो, जिसमें एक मधुर ध्वनि चलती हो, जैसे आपने बताया कि जिसमें बांसुरी बजती हो, ऐसे बहुत से मेलोडियस सॉन्ग हैं जो हम लोग सुनते हैं तो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, तो ऐसे म्यूजिक को सुनता है वो, और उसमें उसको काफी राहत मिलती है। तो अच्छा ये लगता है, तो आराम लगता है, मन शांत होता है। जी सर, हाँ बिल्कुल, उसका क्रोध शांत हो जाता है, मन शांत हो जाता है, एक तरह से हारमोनी जो है मिलती है उसको, मेंटल जो है कामनेस होता है उसका। ये था मेरा एनालिसिस सर। अभी आपने आपका जो अंडरस्टैंडिंग केस को लेकर के रहा ना, वो बहुत जबरदस्त रहा, बहुत परफेक्ट रहा। थैंक यू सर। इसके बाद और कोई आएंगे अपना अंडरस्टैंडिंग शेयर करेंगे केस को लेकर? सर आप अपना कैमरा बंद कर लीजिए अब। ओके सर। केस को लेकर के जो अंडरस्टैंडिंग देना चाहेंगे वो बताइए, फिर मैं केस को रिवील करूंगा। हाँ रंजीत भाई, मैं बोलती हूँ। हाँ बताइए,
ये बंदा तो कमाने वाला है, घर को चलाता है, सबका फैमिली में सबका केयर करता है, फिर रिलेटिव्स में भी ये केयर करता है, और बच्चों का चिंता भी है कि इसीलिए जब वाइफ पे उसको गुस्सा आता है तो भी बच्चों के लिए साइड हो जाता है, गुस्सा नहीं करता है, क्योंकि गुस्सा करने से उसके साथ झगड़ा हो जाएगा, उसको एक्सप्रेस करने से, इसीलिए उसे सप्रेस कर देता है। फिर आपने पूछा आपका पहले वाला स्वभाव कैसा था, तो उसने बोला कि पहले गुस्सा आता था, और गुस्से में गुस्सा क्यों आता था, जब उसके हिसाब से काम नहीं होता था और ये चीजों को पटक देता था, ऐसा गुस्सा आता था, लेकिन अभी इसे सप्रेस कर रहा है क्योंकि झगड़ा ना हो। तो यहाँ पर मुझे टाफी सागरिया जैसा लगा, कल जो मनोज सर ने बताए थे, और फिर इसीलिए इसीलिए मैंने ये रेमेडी लिया है, लेकिन ये अस्टेफी सेग्रिया नहीं है। और लेकिन ये रेमेडी अस्टेफी सेग्रिया के बहुत क्लोज चलता है, इसीलिए मैं ये आज केस लिया ताकि अस्टेफी सेग्रिया और इस रेमेडी को हम लोग अच्छे से समझ सके। और ये बोल रहा है कि ये फैमिली को चलाने के लिए पैसों के लिए चिंता है और ये आगे बढ़ना चाहता है। जब उसको गुस्सा आता है तो ये कहीं अकेले में चला जा, ये पेन के दौरान आपने जब पूछा तो उन्होंने बोला कि मैं अकेले में चला जाता हूँ, और गुस्से में भी ऐसा करता है, चला जाता हूँ और कोई डिस्टर्ब करे तो अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पर थोड़ा नक्स भूमिका जैसा लगा, और म्यूजिक सुनता है तो उसको अच्छा लगता है, ये नक्स भूमिका में नहीं है। फिर हाँ, ये यहाँ पर ये जो टिपिकल रेमेडी हाँ, और ये करीब फिर बोला कि जब गुस्सा बहुत आता है तो फिर ये सब तहस नहस कर दूंगा, ऐसा गुस्सा आता है। ये थोड़ा स्टाफी सागरिया से मुझे अलग लगा, ये अंडरस्टैंडिंग थी लेकिन रेमेडी क्या है ये पता नहीं। चलो, बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा रहा। आगे कोई और? सर मैं बोलना चाहूंगी, डॉक्टर मोहम्मदी, और ये पेशेंट जी ना सर बताइए। थोड़ा सा मेरे को सिंपैथेटिक एंड केयरफुल भी लगा, केयरफुल केयरिंग है, लविंग है अपनी, और अपनी सारी ड्यूटीज बहुत अच्छे से निभाना चाहता है वो, और आगे भी बहुत ज्यादा कोशिश भी कर रहा है अपने फादर मदर और अपने चिल्ड्रंस की तरफ। उसकी एक काफी ज्यादा है ना एंजाइटी रही है कि वो उनको खुश रखे और कोई दुख ना पहुंचे, उसकी कोशिश रही है, और मनी मैटर को लेकर उसको एंजाइटी हमेशा रही है, बताया बता रही है बता रहा है यहाँ पे भी क्वेश्चन है। एंड वो अपनी बीवी के साथ ना खुश है क्योंकि वो उसको तंग करती है कि भाई उसको साथ में रख, वो साथ में रहना चाहती है, तो थोड़ा सा उसको शायद डोमिनेशन लग रहा होगा उसको वहां पर। सही है। हाँ, तो ये थोड़ा सा ये इसकी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो भी है वो जस्ट जस्ट बिकॉज ऑफ मनी मैटर है। अगर वो उसको अगर वो वेल्दी रहेगा तो ये जो उसने सप्रेस करके रखा हुआ है एंगर, जैसे उसने बताया कि पहले भी उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता था लेकिन अभी मैंने वो उसका गुस्सा अभी उल्टा हो गया है, ये जो बोल रहा है कॉन्ट्रडिक्ट जो कर रहा है वो गुस्सा उल्टा हो गया है, तो मुझे उस कार्सिनोसिन का थोड़ा सा पिक्चर दिखाई दे रहा था, गुस्सा है और गुस्सा नहीं कर रहा है अभी राइट नाउ ऐसा कुछ, और अरे जो अरे भी है कार्सिनोसिन में, रियल। अभी जैसे आप कार्सिनोसिन बोल रहे हैं ना, तो मैं आपको कार्सिनोसिन भी बताऊंगा, लेकिन कार्सिनोसिन के अंदर जो है ना, इतना रेज नहीं होता। मतलब यस इस यस तरह रेज को वो कंट्रोल नहीं करता, वो प्लीज करने में लगा रहता है। और इसका ये सारा जो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग जो है ना, वो कार्सिनोसिन का मैच करता है क्या? कहीं आपको आपको दिल में फील हुआ कभी कि ये कार्सिनोसिन हो सकता है? नहीं, लेकिन ये जो है ना थोड़ा कि वो गुस्सा था लेकिन अभी दबा रहा है गुस्सा और नहीं दिखा रहा है, तो कार्सिनोसिन में कुछ ऐसी रूब्रिक है कॉन्ट्रडिक्शन,
मतलब वो लोग या तो रह सकते हैं, गुस्सा कर भी सकते हैं, या फिर गुस्सा छुपा भी सकते हैं, ऐसा कुछ एक रूबरी है शायद हाँ लेकिन क्या है ना, आपने पूरा केस अगर सुना होगा ना, तो केस के अंदर एक फील होती है ना आपको, वो रेमेडी की जो है ना, आपको लगेगा यार इसमें कुछ तो मिसिंग है आपको। करेक्ट। कार्सिनो सिंह, ये जो केस सुन के जो है ना, कार्सिनो सिंह आपको लग रहा होगा, लेकिन आपको लग रहा होगा कि इसमें कुछ मिसिंग है, आपको पूरा नहीं फील मिल रहा होगा। चलिए उसका आगे जो उसका आगे कोई बताइए। रेज है, हाँ, या उसका रेज ऑफ एंगर, रेज जो है वो थोड़ा वो उसके बारे में बता रहा था, और एक अनहैप्पी एंड सैडनेस फीलिंग है जो उसको म्यूजिक से वगैरह कम, मतलब म्यूजिक से ज्यादा बेटर फील करता है वो, मेंटल पीस चाहिए उसको, एंड अलोन डिजायर फॉर, अलोन डिजायर फॉर चाहिए उसको, और एक्चुअली डार्कनेस में है सर काफी ज्यादा, वो उसको रोशनी की जरूरत है। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, थैंक यू। वेल, थैंक यू सर। और कोई बताओ, अपने अंडरस्टैंडिंग सब शेयर करो, इससे सबको सीखने मिलेगा। अपने अपने जो आपका आपका इस केस को लेकर के जो थॉट प्रोसेस है ना, उसको आप रखिए ताकि सबको सबको समझ में आए। हेलो हम लोग जी, सर, मेरे को मेन फैक्ट ये लगा कि एंगर से एंगर सप्रेस्ड कर रहा है वो, क्योंकि हार्मोनी बनी रहे। और सर बस यही था। और क्या मिला? ओवरऑल केस को देखिए ना। सर एक जर्नी इस पेशेंट की जो है वो एंगर से लेके घर वालों के आसपास घूमने से, वो एंगर क्यों सप्रेस कर रहा है, इसलिए सप्रेस कर रहा है कि हार्मोनी जो घर का एटमोसफेयर है वो नहीं कहीं गड़बड़ हो जाए, बच्चों बच्चों पे भी उसका गलत इफेक्ट पड़ेगा, ये मेरे को समझ में आया। चलिए, बहुत अच्छा। नेक्स्ट, हेलो सर, सर ये बोलिए। हेलो सर, मैं अपनी हाँ बोलिए। अंडरस्टैंड बताती हूँ कि ये फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, उसे फैमिली से बहुत प्यार है, बच्चों से, माता पिता से, और रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, बिनिवोलेंस भी है, केयर्स फैमिली की, बच्चों की, उसको बहुत चिंता भी है, और माँ से बहुत अटैच्ड है, और उसका एंगर, मतलब हार्मोनी बनाने के लिए उसने अपने एंगर को सप्रेस किया, और बच्चों गुस्सा किया, पत्नी को स्ट्राइक करने की इच्छा भी होती है उसके गुस्से में, लेकिन अगर मैं ऐसा करूंगा तो फिर बच्चों का क्या होगा, बच्चों पे क्या असर होगा, तो वो थोड़ा मोरल्स में भी है, तो एंगर सप्रेस्ड और हार्मोनी, केयर्स फुल ऑफ चिल्ड्रन का, एनजाइटी, मनी मैटर्स, और ये सब लेके नाइटर मूड का फील आता है सर। फिर सर ये भी है, सिक्रेटिव भी है, कि आज दिन तक मैंने ये किसी को बात पूरी बताई नहीं, आपको पहली बार बता रहा हूँ करके, और बहुत अच्छा, एम्बेरेस्ड भी फील, सिक्योरिटी सिक्रेटिव, और स्टार्टिंग में वो एम्बेरेस्ड भी, एंगर के बारे में जब पूछा तो थोड़ा एम्बेरेस्ड भी उसको फील हुआ करके, नेचुरल मूड। बहुत अच्छा। नेक्स्ट, सर मुझे भी ये कहीं नेट्रोम्यूरी लगा कि जो बहुत पहले गुस्से वाला था, बट जिम्मेदारी आ गई तो अपने आप को उसने संभाल लिया, बहुत केयर करता है, बच्चों पे खराब असर ना पड़े इसके से अपना कितना सारा गुस्सा भी दबा लेता है, और आउट ऑफ वे जाके केयर करता है रिलेटिव की, लव विथ फैमिली है, बहुत और सिक्रेटिव भी बहुत है ना, बहुत सारी चीजें आपसे उसने अपने पूछा इसके लिए शेयर करा है, आगे आके कभी कोई बात बोली नहीं उसने, बट बच्चों का मतलब केयरफुल ऑफ अदर्स बहुत है, मम्मी पापा बच्चों के लिए, बच्चों का सोच के कितना सारा गुस्सा दबा रहा है, एक गुड बिहेवियर इज ट्राइंग टू अडॉप्ट, जो पहले बहुत गुस्से वाला था, जो मतलब कितना वॉयलेंट था, तो एकदम ही कंट्रोल में आ गया उसके, ही इज ट्राइंग टू कंट्रोल ऑल दोस थिंग्स, ऐसा। नेक्स्ट। सर मैंने भी इसका नेट्रमेरी सोचा था सर,
लेकिन इसमें जो एक प्रोमिनेंट चीज मेरे को मिली कि ये अपनी मदर से बहुत ज्यादा लगाव करता है, सर, है ना, तो वो नेटर में उसकी तरफ भी जाता है। भी मदर से बहुत ज्यादा अटैच अटैच है सर, अटैच टू मदर, वेरी नेटर में भी है। मदर, हाँ जी, हाँ जी सर। नेत्रम्यूर, हाँ। बाकी गुस्सा तो इसके अंदर बहुत है सर, ये सप्रेस करके रखता है और फैमिली को लेके बहुत ज्यादा ध्यान भी देता है। और जो इसको मतलब इसके गुस्से को जो आराम मिलता है वो ज्यादातर म्यूजिक से ही मिलता है। बहुत रहने की कवि चल रही है। अरे इसमें इसमें से बहुत सारे लोगों ने हिपार सेल्फ दिया था, हिपार सेल्फ को वेरी क्लोज रेमेडी, कोई अपने अंडरस्टैंडिंग से शेयर करेंगे जो हिपार सेल्फ कहे थे? एक्चुअली हिपार का जो है ना, अच्छा कोई है बोलने वाला? हेलो, हाँ सर, अभी अभी अपनी अंडरस्टैंडिंग शेयर करने दीजिए, उसके बाद फिर करेंगे। सर हिप्पा सर केयरफुल में रहता है, बहुत केयर करता है लोगों की, बहुत ही, बट व्हेन अलोन, मतलब कोई नहीं होगा तो सबसे ज्यादा केयर करेगा, सब आगे तो निकल जाएगा वहां से, ऐसा महेश सर ने सिखाया था। एंड सेकंड देखो डॉली बेन, डॉली बेन देखो हिप्पा सर कब केयर करता है, सब अकेला हो, सब अकेला होगा तब हिप्पा सर केयरफुल केयरफुल और अलोन मैन में रहता है। मतलब क्या है कि अगर तुझे तेरा कोई केयर करने वाला है ना, मैं तो नहीं मैं आऊंगा, हाँ। नहीं मैं नहीं आऊंगा, जब तुझे लगेगा कि केवल मैं ही करने वाला हूँ तब करूंगा, ठीक है, समझे बात को? नहीं बट आपके... एक बार महेश सर ने जो सिखाया था ना, उसके बारे में मैं उन्हीं के बारे में बात कर रहा हूँ, मैंने उन्हीं से सीखा है। आपके पास अगर ऑप्शन है ना, आपके पास ऑप्शन है, कोई दूसरा बंदा है करने वाला, तो मैं नहीं आता। जब आप अकेले पढ़ोगे ना, जब आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगा, तब मैं केयर करूंगा, ये हिपार सब पे रहता है। और इतना गुस्सा होता है कि लगता है सामने वाले को स्टैप कर दू, मार दू, इतना गुस्सा आता है हिपार सब, इतना मालूम है। चलिए अभी अभी और कोई मेंबर है जो अपना अंडरस्टैंडिंग शेयर करेंगे? चलो मैं केस को रिवील करता हूँ, वैसे लेट हो जाता है, उसके बाद में फिर केस, अभी इस रेमेडी को भी पढ़ना है फिर, है ना? तो कॉन्ग्रेचुलेशन, ये अच्छे लाल सर जिन्होंने प्लूटोनियम नाइट्रिकम पढ़ा, प्लूटोनियम नाइट्रिकम क्रैक किया उन्होंने, उनके लिए सब एक बार ताली बजाइए। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू एवरीबॉडी। ये रेमेडी प्लूटोनियम नाइट्रिकम है। कितने लोगों ने इस केस का फॉलोअप सुना है, फॉलोअप देखा है? जी सर। सारे ने फॉलोअप सुना है कि नहीं? नहीं सर, मैं तो समय नहीं मिला, नहीं देख पाया। बताओ भाई कोई फॉलोअप बताओ जिसने सुना है। हेलो हेलो सर, आप ऑडिबल है? कोई फॉलोअप सुना है भाई तो बताओ, फॉलोअप देखा है जिसने? हाँ सर, दूसरे दिन उसके निकल गए ना दोनों स्टोन। हाँ दूसरे दिन निकल गए, और एक हफ्ता बाद जो एक बच्चा था वो भी निकल गया।
प्लूटोनियम नाइट्रिकम, सॉरी मैंने 1M का डोज दिया था उसको, मैं 200 लिखा हूँ लेकिन मेरे पास 1M पोटेंसी ही थी, ठीक है। तो मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग अब इस केस को मैंने कैसे समझा था वो मैं बताता हूँ। और इस केस में शायद किसी ने पूछा था कि हमें एक्यूट कंडीशन में और क्रॉनिक कंडीशन में हम केस को कैसे लेंगे, हम इस तरह जो अगर कोई पेन में आया है इस तरह आया है तो क्या हम उसको डीप केस टेकिंग करेंगे या उसको सिंपल हम सबसे पहले एक्यूट कंडीशन को हम टेक केस टेकिंग करेंगे। तो इसने भी सवाल किया था तो वो भी मैं बताऊंगा लास्ट में। तो इस बंदे का मैंने पूरा केस टेकिंग इसलिए किया क्योंकि मुझे इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देना था क्योंकि इस बंदे को लंबे टाइम से ये परेशानी चल रही होगी, तो मुझे लगा कि इसका कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देना चाहिए। और पीपीपी पे मेडिसिन मैं दे सकता था बट मुझे इस केस में जैसे अंदर गया ना तो मुझे सारी चीजें काफी क्लियर मिली, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन दिया, डायरेक्ट मैं इसका सिम्लिबम निकालने का प्रयास किया। तो देखिए मेरा इसमें अंडरस्टैंडिंग क्या था केस को लेकर के, पेशेंट वेरी लविंग टुवर्ड फैमिली एंड चिल्ड्रेन, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड था वेरी अटैच टू मदर, थर्ड पॉइंट था अ स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्सिबिलिटी, फोर्थ पॉइंट था पैसे की चिंता, फाइव पॉइंट था गुस्सा को पहले आउट करता था लेकिन बाद में झगड़ा के चलते सारा गुस्सा अंदर रखता है, और गुस्सा भी जो है वो अच्छे लाल सर सही बताए इसका गुस्सा जो था वो रेज के लेवल का था, और इसके लिए वो हार्मनी मेंटेन करता है, क्वायरलिंग एवर्जन रहता है, नेचर वाइज सेक्रेटिव है, रिजर्व नेचर है, अकेला रहना ज्यादा पसंद है, शांति में राग सुनता है। तो इस पे मैंने रूब्रिक बनाए थे और मैंने इसको इसको जो है सबसे पहले सिंथेसिस में रूब्रिक डाला, तो सिंथेसिस के अनुसार से ये रेमेडी हिपाक्सल, अस्टेफिसेग्रिया, ये तरह तरह की रेमेडी आ रही थी, क्रिटिकम भी क्लोज आ रही थी, फिर मैंने इसको कंप्लीट में डाला तो वो रेमेडी डायरेक्ट क्लियर आई। तो मैंने फर्स्ट रूब्रिक लिया था रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेकिंग टू रिस्पॉन्सिबिलिटी सीरियसली, एलिमेंट्स फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी, लव फैमिली फॉर, लव चिल्ड्रेन फॉर, अटैच टू वेरी मदर, और इतना में वो जो एंगर था एंगर सप्रेस्ड है ना, और म्यूजिक एम्लियोरेशन, मैंने इतना रूब्रिक लिया था, डिस्टर्ब एवर्स टू बींग कंपनी एवर्जेंट डिजायर फॉर सॉलिट्यूड। और इतना जब मैंने रूब्रिक लिया ना तो हमारे सामने प्लूटोनियम नाइट्रिकम आके खड़ी हो गई। तो अब क्या है कि हमारे अंदर एक फील चल रहा था ये कि ये जो है ना कि लड़ाई झगड़ा से दूर हट करके, लड़ाई झगड़ा से दूर हट करके ये बंदा क्या कर रहा है, खुद को क्या कर रहा है, साइड कर रहा है, नहीं लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, साइड कर रहा है खुद को। तो मैंने मेरे माइंड में एस्टेफिसेग्रिया थ्रू एंड थ्रू चल रहा था कि बहुत ज्यादा केयरिंग है, बहुत ज्यादा मतलब लविंग है, गुस्सा दबा रहा है, ये सब चल रहा था। लेकिन सारा जब अंडरस्टैंडिंग इसका समझा और इस पे जब मैंने रूब्रिक डाली तो प्लूटोनियम नाइट्रिकम आया, और इसको मैंने प्लूटोनियम नाइट्रिकम 1M का डोज दिया, 3 डोज दिया और उसके एस्ट्रॉन निकल गए। और सबसे बड़ी खुशी की बात ये थी कि उसका नेचर में जो एंगर था वो कम हो गया, शांत हो गया वो बंदा, और काफी मतलब अभी अच्छा उसका रिस्पॉन्स रहा है इस रेमेडी के बाद। तो इसके अंदर फिर मैंने उसका एक रूब्रिक उसका एंगर फॉलोड बाय ट्रैंक्विलिटी करके, मैं अभी अभी मैं अपना बताता हूँ मैम, अभी मैं बता रहा हूँ। इसमें मैंने रेट्रो किया था तो इसमें मुझे रूब्रिक मिले थे एंजाइटी हेल्थ अबाउट रिलेटिव, एंजाइटी मनी मेटर फाइनेंशियल मनी मेटर, एंजाइटी अदर्स फॉर लव्ड वन, बेनेवोलेंस, केयर फुल ऑफ अदर्स अबाउट, केयर वरी फुल ऑफ रिलेटिव अबाउट, कंपनी डिजायर फॉर फैमिली एम्बिशन, और
एंगर कंट्रोल एंगर इफ थिंग्स डू नॉट गो आफ्टर हिज विल थ्रोइंग थिंग्स अराउंड डिस्टर्ब एवर्स टू बींग कंपनी अवर्जन म्यूजिक डिजायर एंड म्यूजिक एम्ब्यूरेशन. तो ये इसका रेट्रो का रूब्रिक था, मैं सारा ग्रुप में डाल दूंगा. अब ये जो प्लूटोनियम नाइट्रिकम होता है ना, मैंने अपने सर से पढ़ा था और थैंक्स अमोल सर और हमारे गुरुजी डॉक्टर महेश चंद्र सर जिनसे मैं ये रेमेडी सीखा था. अमोल सर का भी बहुत सारे हमने केस पढ़े थे और सेम लाइक केस था, ये बहुत केस पढ़े थे हमने जहां पर फैमिली लविंग था, रिस्पॉन्सिबिलिटी था, एंगर कंट्रोल था, एंगर इंटरनलाइज्ड था, उसका गुस्सा जो रहता है ना वो अंदर ही अंदर रहता है. तो ये सारी अंडरस्टैंडिंग थी इस रेमेडी के बारे में और इसलिए मैंने इसको प्लूटोनियम नाइट्रिकम दे पाया. लेकिन मेरे माइंड पे और भी चल रहा था कि जैसे हमने एक रेमेडी और पढ़ा था हिपार सल्फ के बारे में, तो हिपार सल्फ के अंदर भी ये केयरिंग नेचर, गुस्सा वाला नेचर है ना, ये सेम दिखता है. लेकिन हिपार सल्फ के बारे में भी मैं अभी डीडी बताऊंगा. तो अभी जैसे ये प्लूटोनियम नाइट्रिकम है, इसके बारे में मैं आपको कुछ, प्लूटोनियम नाइट्रिकम जो होता है ना, लव एग्जॉल्टेड लव में रहता है, लव फैमिली फॉर एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट हिज, एंजाइटी फैमिली अबाउट हिज, रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू सीरियसली. और ये देखिए कितना मतलब केयर वाला बंदा होता है, मतलब फैमिली से लेकर के फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादातर इसमें सिंथेसिस रिपर्टरी में. अपने पास ये रेमेडी ज्यादा नहीं दिया है लेकिन ये कंप्लीट में है. ये एंजाइटी हेल्थ अबाउट रिलेटिव फाइनेंशियल, इसको दूसरे के बारे में बहुत ज्यादा केयरिंग और मतलब एक बहुत अच्छा बंदा रहता है ये. और ये सेक्रेटिव है, रिजॉर्ड है, फिलोसफी एबिलिटी है इसके अंदर, प्रोडाई ट्रेडिशनल है. और एक समय जब ये आता है ना, जिसने उसने बोला था ना कि गुस्सा इतना आता है कि अगर मैं ब्लास्ट हो जाऊं तो सब विनाश कर दूं, तो ये गुस्सा था. मैं भी शौक हो गया था, लेकिन मुझे रेट्रो में मिला कि प्लूटोनियम नाइट्रिकम वास्तव में बम होता है, अगर ये विस्फोट होगा ना तो आपको तो विनाश करेगा ही, खुद को विनाश भी करेगा और सबको विनाश कर देगा, ये तो महाअस्त्र हो गया ऐसा. तो डिलूजन बॉम्ब हैज जस्ट एक्सप्लोडेड, ऐसा रूब्रिक देखने को मिलता है. ये एक इंडिफरेंस के भी रूब्रिक में मिलता है, जहां पर एक समय में ये बहुत ज्यादा अपने जो उसका फैमिली रहता है, जिसके प्रति वो लविंग रहता है, उससे वो इंडिफरेंस में चला जाता है, लव्ड वन से और फैमिली से, बिजनेस से, इसे इंडिफरेंस में जाता है वो. और मदर से बहुत ज्यादा अटैच है ये, और फॉर सेकेंड भी फीलिंग है इसके अंदर, डिस्पाइज फीलिंग है, पुरानी बातों को पकड़ के भी चलता है ये, क्वायरलिंग एवर्जन, फियर वॉयलेंस, एंगर कंट्रोल, रेज फ्यूरी कंट्रोल, ये सब चीजें हैं. और इसके अंदर एक रेमेडी अस्टेफिस एग्रिया क्लोथ चलती है, टेटिकम क्लोथ चलती है, हिपार सल्फ क्लोथ चलती है. तो अस्टेफिस एग्रिया हमने जब कल वो रेमेडी लिया था अस्टेफिस एग्रिया का, तो आप सबने देखा होगा कि अस्टेफिस एग्रिया क्यों कंट्रोल करता है, क्योंकि वो भी झगड़ा नहीं चाहता, सेंसिटिव बहुत ज्यादा मोरल रहता है, लेकिन उसका सारा फीलिंग कहाँ जाता है, मुझे लोग क्या कहेंगे. सोशल पोजीशन उसकी मेन इंटेंशन रहती है, कि हमें सोशल पोजीशन जो है हमारा, जो हमारे आसपास के लोग हैं, हमें अपना नाम खराब नहीं करना है, उसको ये इंटेंसिटी रहती है. अस्टेफिस एग्रिया के अंदर कहीं भी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात नहीं आती. अस्टेफिस एग्रिया जो रहता है, कहीं भी ये इसका जो अडेप्टेशन था उसके अंदर, जैसे म्यूजिक एम्ब्यूरेशन या म्यूजिक डिजायर, ये सब नहीं है, है ना. और सेकेंड सेकेंड चीज रेमेडी थी वो है टीटिकम वल्गेरिस.
तो टीटिकम वल्गेरिस भी बहुत ज्यादा केयरिंग है, और आप सबने पढ़ा है, मनोज सर भी टीटिकम बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं आप सबको। तो टीटिकम का बंदा हम क्या रहता है ना, एक प्लांट रेमेडी है, टीटिकम प्लांट रेमेडी है। तो टीटिकम का बहुत सारे फेसेट हैं, और बहुत सारे फेसेट, जब ये रेमेडी हम आपको बताएंगे तो पूरा डिटेल बताएंगे, लेकिन वास्तव में अगर टीटिकम हमारे माइंड में जो रहता है ना, तो टीटिकम के अंदर जेलेसी भी है, उसको लॉन्गिंग डिजायर फॉर लॉन्गिंग डिजायर फॉर ओपिनियन ऑफ अदर्स, उसको रिस्पेक्ट डिजायर रहता है। तो उसका एक फेसेट ये है कि जहां उसको रिस्पेक्ट की नीड होती है, एक फेसेट वो है जहां वो दूसरों की केयर करने के लिए अपने आप को झोंक देता है। टीटिकम डिफाइंड भी होता है, टीटिकम ऑनेस्ट भी होता है, टीटिकम झगड़ा भी नहीं चाहता, और टीटिकम का बंदा ऐसा रहता है जहां पर कॉम्प्लाई विशेष ऑफ अदर में भी रहता है, हर बात दूसरों की सुनेगा, हर बात दूसरों की मानेगा, इस ऐसा बंदा, मतलब एक नर्चरिंग का फीलिंग उसके अंदर भी है। लेकिन टीटिकम के अंदर ऐसा भी देखने को आपको मिलेगा कि जहां पर बहुत ज्यादा कंटेंट नेचर है, बहुत ज्यादा संत वाला नेचर है, बहुत ही मतलब शांति, मतलब खुद में एक सेटिस्फाइड बंदा होता है वो। मतलब टीटिकम के बहुत सारे फेसेट हैं, जिसमें एक ऐसा भी फेसेट हमें देखा है, और HHF में डॉक्टर सुनील सर है, थैंक यू सुनील सर, उनसे हमने टीटिकम पढ़ा था कि टीटिकम एक संत पर्सनलिटी भी होता है, जहां पर हम लोग बोलते हैं ना कि बिल्कुल संत आदमी है यार, जो दूसरे के दिल की बात को समझ सकता है, दूसरे के दिल की भावना को समझ सकता है। तो टीटिकम ऐसा ऐसा पर्सनलिटी होता है। टीटिकम टीटिकम का एप्रिसिएशन की भी नीड होती है ना। तो ये टीटिकम, और रहा बात हिपार सल्फ के बारे में, तो देखिए हिपार सल्फ जो होता है ना, हिपार सल्फ के अंदर भी जो है, सो लव फैमिली है, लव फॉर चिल्ड्रेन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, केयर है दूसरों के बारे में, लेकिन ये जो केयर रहती है वो तब रहती है जब सामने वाला के पास ऑप्शन नहीं है, तब हम खड़ा है, तब हम करेंगे। अगर सामने वाला के पास ऑप्शन है तो भाई तुम करो, ये रहता है उसको। दूसरों की स्वास्थ्य की भी चिंता रहती है, दूसरे के हेल्थ को नुकसान ना हो, दूसरे की हेल्थ को दिक्कत ना हो, इसकी रहती है। एलिमेंट्स फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, एलिमेंट्स फ्रॉम केयर एंड वरीज रहती है, एंजाइटी अदर्स रहता है, वेरी सिंपेथेटिक पर्सन, सफरिंग ऑफ अदर्स, सैडनेस ऑफ अदर्स, है ना, तो इस तरह के रहता है। लेकिन ये जो हिपार सेल्फ रहता है, ये बचपन से इनजस्टिस टू कैन नॉट सपोर्ट में रहता है, बचपन से इसको अन्याय पसंद नहीं होता, और अगर कोई अन्याय करे तो इसको बहुत ज्यादा उसके प्रति बुरा लगता है, और रॉन्ग, एवरीथिंग सिम रॉन्ग, शायद इसमें हिपार सेल्फ है। तो टीटिकम ये हिपार सेल्फ को जो है ना, सब चीजें रॉन्ग लगती है, सेंसोरियस होता है ये, तो इसके चलते बहुत ज्यादा डिसकंटेंट रहता है खुद के साथ, सराउंडिंग के साथ, बहुत ज्यादा डिसकंटेंटेड पर्सनैलिटी है हिपार सेल्फ। हिपार सेल्फ के अंदर डिलूजन पुअर ही मिलता है, खुद को पुअर फील करता है, कावर्डाइज होता है। हिपार सेल्फ भी एंगर सप्रेस करता है, लेकिन जितना वो केयर करता है, जितना वो दूसरों की खिदमत करता है, सेंसिटिव मॉरल इंप्रेशन में रहता है। तो देखिए अब एक साइड ये बंदा इतना कर रहा है ना, और दूसरा साइड अगर इसकी बात को कोई कॉन्ट्राडिक्ट करता है ना, तो इसको इतना गुस्सा आता है ना, वो डिस्ट्रक्टिव लेवल का आता है, मतलब खत्म कर दे सबको, मतलब किल कर दे सबको, ऐसा रहता है। लेकिन गुस्सा वो भी दबाता है, लेकिन एक समय आता है जब वो गुस्सा जब ब्लास्ट करता है ना, तो उसका गुस्सा में सब कुछ वो फायर में झोंक देता है, जहां पर सब कुछ खत्म हो जाता है। तो हिपार सबके अंदर मॉरल फीलिंग वन टॉप है, और सेंसिटिव टू मॉरल इंप्रेशन भी है। इसका गुस्सा जो रहता है वो मैलिशियस रहता है, और एंगर स्टेबेड एनी ऑन दैट ही कुड हैव, इसका गुस्सा मतलब बहुत, रेज फ्यूरी, किल डिजायर टू वायलेंस, रेज लीडिंग टू डीड्स एग्रावेशन, किल डिजायर कॉन्ट्राडिक्शन फ्रॉम लिस्ट। देखिए हिपार सब कैसा इसका गुस्सा है,
और ये सब प्लूटोनियम में नहीं मिलता है। किल डिजायर टू बार्बर वांट्स टू किल हिज कस्टमर, किल डिजायर लव्ड वंस, किल डिजायर हु ऑफेंडेड हिम पर्सन, है ना। देखिए किल डिजायर सडन इम्पल्स थ्रो थिंग्स फायर, कितना गुस्सा है इसके अंदर। रेज किल डिजायर मतलब इतना कंट्रोल नहीं करेगा जितना प्लूटोनियम करता है। प्लूटोनियम तो हार्मोनियस के लिए करता है ना, क्वायरलिंग एवर्जन के लिए करता है, लेकिन ये बंदा के अंदर वैसा नहीं है। देखिए हिपार सेल्फ के अंदर देखिए किस तरह का ये पर्सनलिटी है। इसको पेन में क्या रहता है, सेंसिटिव टू पेन, रेस्टलेसनेस पेन फ्रॉम, है ना, फियर सफरिंग, फियर हर्ट ऑफ बींग। लेकिन देखिए उसका एडेप्टेशन कैसा था, उसका एडेप्टेशन बिल्कुल साइड हो जाता था, म्यूजिक सुनता था, मन को शांत करता था, है ना। तो इस तरह की पर्सनलिटी प्लूटोनियम नाइट्रिकम रहा, लेकिन हिपार्सल उससे बिल्कुल डिफरेंट है। तो हमें कोई भी रेमेडी का जब हम मतलब जब भी केस लेते हैं ना, तो फ्री माइंड से हमें पूरा केस को समझना चाहिए, पूरा केस को अंडरस्टैंड करना चाहिए, और हमें उस मेन पॉइंट को समझना चाहिए कि वो मेन पॉइंट कहाँ पर है, ठीक है, और उसके अनुसार से हमें रेमेडी डिसाइड करना चाहिए। ज्यादातर हम क्या करते हैं ना कि सिंथेसिस में रूब्रिक बना लिए और उसके अंदर रेमेडी जो आया हम दे दिए। देखिए आपके अंदर अगर रेमेडी की अंडरस्टैंडिंग है ना, तो अगर वो आपको लगता है कि भाई इसमें कुछ मिसिंग हो रहा है, तो आप कंप्लीट में जाइए, या आप क्या करिए एक रूब्रिक लीजिए जो आपको लग रहा है कि नहीं ये फाइनल रूब्रिक है और ये पक्का रूब्रिक है, तो फिर क्या करिए आप सिंथेसिस से वो रूब्रिक निकालिए और उसके अंदर सारी रेमेडी पढ़िए, कंप्लीट से वो रूब्रिक निकालिए और उसके अंदर सारी रेमेडी पढ़िए। अब क्या है कि वो जब आप पढ़ेंगे ना, तो आपके माइंड खुलेगा कि इसमें कौन सी रेमेडी हो सकती है, आप क्लिक करिए। जैसे अभी इस केस में था, इस केस में पढ़ने के बाद कोई बोल सकता है कि ये जो है सो मतलब कोलोसिंथ हो सकता है, या ये जो बंदा है वो कैंथ्रिस हो सकता है, ऐसा तो नहीं होगा ना, कैंथ्रिस तो नहीं होगा ना, क्योंकि हम एक अंडरस्टैंडिंग हम जानते हैं कि कैंथ्रिस का जो पर्सनलिटी है वो ऐसा पर्सनलिटी है, वो ज्यादातर बिजनेस के बारे में बात करता है, फैमिली से कोई रिलेशन नहीं है। अब हम ये जो केस पढ़े, अब हिपा उसमें फ्लोरिक एसिड आ रहा है आपके चार्ट में, तो आप फ्लोरिक एसिड देंगे, नहीं ना, फ्लोरिक एसिड की अंडरस्टैंडिंग तो बिल्कुल अलग है। लेकिन अगर आपके रूब्रिक के चार्ट में आ रही है दो दो चार रूब्रिक लेने से, तो आप फ्लोरिक एसिड तो नहीं दे सकते, क्योंकि एक एक उस केस के प्रति जो है ना, वो एक अंडरस्टैंडिंग जो है हमें प्रॉपर मिलना चाहिए। तो ज्यादातर मैं ये करता हूँ, कोई भी केस को मैं उसका हर एक रूब्रिक के वाइज हर एक रेमेडी को मैं पढ़ता हूँ, ठीक है, तो ऐसे रहता है। और इस केस में मैंने इतनी सारी चीजें देखी है, और मैं ये बताना चाह रहा था कि जैसे बहुत लोग बोलते हैं ना कि केस टेकिंग, हम जब केस टेकिंग करते हैं ना, तो कोई भी थ्रेड को अगर पकड़ते हैं, तो उस थ्रेड को पूरा कंप्लीट देखना चाहिए कि उसका प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है, ठीक है। जैसे आज मैं एक और पॉइंट बताता हूँ, आज से 8 दिन पहले क्या हुआ कि हमारे जो मैं जहाँ क्लिनिक दिया हूँ ना, तो वो जो रूम रूम जिनका है उनको फीवर हो गया, और फीवर 103 डिग्री 104 डिग्री रहता है, ठीक है। अब वो क्या है उनका नेचर, उनको मैं शुरू से ही टीटिकम वल्गरिस देता आ रहा हूँ, तो उनको क्रॉनिक कंप्लेन थी, तो टीटिकम दिया था मैंने। और एक बार हमारे साथी हैं डॉक्टर संदीप गावटे सर, उनसे बात कराया था, तो उन्होंने मैग्नूर दिया था उनको। तो अभी क्या हुआ कि वो आप देखिए टीटिकम और मैग्नूर जैसा बंदी है, वो उम्र 55 इयर्स है, और वो इस टाइप की पर्सनलिटी है, मैग्नूर टीटिकम वगैरह इस तरह से उसको आराम लग रहा है। अब क्या है, वो इतना केयरिंग है, इतना बेलोवेलेंट नेचर है, सबका करने वाली है, लेकिन अभी क्या हुआ 8 दिन पहले उसको फीवर आ गया 103 डिग्री 104 डिग्री। वो गए थे कहीं सत्संग में, ट्रेन से आने में उनको ठंडा वगैरह लगा होगा, तो उनको फीवर। अब फीवर अब मेरे पास बोले कि मुझे वहां सत्संग गए थे, वहां से ही मुझे फीवर है, तो वहां पर एलोपैथ की दवाई वहां पर दिया उन्होंने, लेकिन मैंने एक दो खाई और मैं फिर नहीं खाई, मैं यहाँ आ गई कि चलो वहां पर रंजीत जी से दिखा लेंगे,
तो मेरे पास आई तो मुझे बोली कि देखिए फीवर है, हल्का फीवर है और कुछ दिक्कत नहीं है। मैं बोला कि आप दवाई ले क्यों नहीं खाए? बोला हाँ नहीं खाए, कि आपके पास आएंगे तो ठीक हो जाएंगे। मैंने उसको पहले बेलाडोना दिया। एक दिन गया, उसका फीवर 102 डिग्री रहने लगा। दूसरा दिन आया तो उसने बोला कि वही चीज कि फीवर रह रहा है और जो है सो फीवर उतर नहीं रहा है और अंग्रेजी दवा मुझे खाना नहीं है। मतलब क्यों नहीं खाना है ये सारा चीज बता रही थी। तो फिर मैंने उसको अष्टामोनियम दिया। अष्टामोनियम से उसका फीवर 101 102 यही चल रहा था। दूसरा दिन, तीसरा दिन फिर से आए, नहीं मेरे को कुछ नहीं हो रहा, आप मुझे स्ट्रॉन्ग दवाई दो। मैंने तीसरा दिन उसको लैकेसिस दिया कि भाई नहीं हो रहा है, चलो लैकेसिस देते हैं और एक्यूट केस है। तो मैंने लैकेसिस दिया, उससे भी नहीं हुआ। अब क्या है कि जस्ट मैं मंडे को घर जाता हूँ, अब मंडे को मैं चला गया घर, अब मैं देख रहा हूँ कि फीवर 101 102 में है तो कोई दिक्कत नहीं है, और मलेरिया और टाइफाइड आया जात में तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, 2-4 दिन लगेगा ठीक हो जाएगा। तो अब क्या है, मैं जब घर गया तो मुझे क्या फोन करते हैं कि आप तो मुझे छोड़ के चले गए और मैं कैसे रहूंगी और मेरा फीवर बढ़ेगा तब क्या होगा, है ना, कि आप मुझे ठीक नहीं किए। अगर आप मुझे ठीक नहीं करेंगे तो क्या है कि मैं आपसे बात नहीं करूंगी, मैं आपके जो पेशेंट भेजती हूँ मैं सारा पेशेंट को बोल दूंगी कि ये मुझे ही ठीक नहीं कर पाए। ठीक है, देखिए अब मैं घर गया मंडे को, उसी टाइम मुझे मैं निकला करीब 4 बजे, मैं फिर से 50 किलोमीटर गाड़ी चला करके क्लिनिक आया उनके लिए, उनका जो प्रेशर था। अब क्या है, मैं आया, मैं बोला कि क्या हुआ, बोला चाचा मैं आपको बोल रही हूँ कि मुझे पूछते हैं घर में कि कैसा तबीयत लग रहा है। मैं बोलती हूँ मुझे ठीक लग रहा है, मुझे दिक्कत नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि वो मुझे एलोपैथ के पास ले जाएंगे, बोल रहे हैं इंजेक्शन दिलाएंगे, वहां पर पानी चढ़वाएंगे, मुझे नहीं जाना है, मुझे आप ठीक करो। बोला अच्छा ये बात है। तो मैंने इसको समझा और इसको हायोसाइमस 1 mg का डोज दिया, 1 mg का डोज दिया। 1 घंटा के अंदर उसका फीवर सबसाइड, शाम को 6 बजे दिया, 7 बजे इसका फीवर डाउन। सुबह मुझे क्या फोन करती हैं 7 बजे, अरे मेरा फीवर तो 97 आ गया है, सो आप मुझे फीवर बढ़ने की दवाई दो। बोला अच्छा ठीक है। तो मैंने इसको फिर साइक्लिक दे दिया और उसके बाद इनको 2-3 दिन कफ रहा, फिर मैंने हायोसाइमस 30 का डोज दिया और ये कम्प्लीटली फाइन हो गई। तो देखिए ये एक्यूट केस था, अभी हम अगर वो क्रॉनिक केस टेकिंग उसका वो करते तो शायद हम ये केस नहीं निकाल पाते। तो इस केस में क्या दिखा हमें, हमें शुरू में ही पकड़ लेना चाहिए था कि एलोपैथी दवाई क्यों नहीं खा रही थी। तो मैंने ये देखा यार हर चीज तो हल्के में ले रही है, फिर बोलवा से मैंने बेलाडोना दिया, पहले मैंने वो चीज देखा कि ये एलोपैथ को नहीं खा रही है, इसको डर है तो इसको मैंने अष्टामोनियम दिया। फिर मैं सोचा कि नहीं ये शायद 4 में होम्योपैथिक पर थी, मैंने कैसे दिया। लेकिन रियल पिक्चर मुझे तब मिला जब ने इसने मुझे इंसाइट किया कि आप नहीं करोगे तो मैं आपको बैंड बजाऊंगी, मैं आपसे बात करना छोड़ दूंगी, सारे पेशेंट जो भेजते हैं उसको भी मना कर दूंगी। देखो मुझे ठीक करने के लिए कैसे इंसाइट किया इन्होंने, तो इंसाइटिंग अदर्स, बेड डिजायर रिमेन इन बेड, इसका होम्योपैथ कंफर्ट जोन है, होम्योपैथ में रहना है इसको। और दिन भर भी क्या कर रही थी, बेड में ही रह रही थी, उठ नहीं पा रही थी और क्या बोल रही थी कि मेरे अंदर मैं काम भी नहीं कर पा रही हूँ, मैं हमेशा बिस्तर में लेटी हुई हूँ, कम से कम इतना तो होना चाहिए ना कि मैं काम कर सकूं, ठीक है मैं अपने बच्चों को खिला सकूं। तो यहाँ मैंने एंजाइटी चिल्ड्रन नहीं लिया क्योंकि इसका क्रक्स पॉइंट मुझे इनसाइटिंग अदर्स लगा था, जिसके चलते मैं 50 किलोमीटर चल के यहाँ पर आया था। तो इनसाइटिंग अदर्स लिया और इसके अंदर, और इसका एलोपैथिक पास नहीं जाना है, एलोपैथी नहीं खानी है, तो मैंने इसको हायोसाइमस का डोज दिया और ये केस सॉल्व हो गया। तो कई बार केस जो है ना, अब जैसे देखिए आपका आपका डिपेंड करता है केस पे, अगर आपका क्रॉनिक केस है तो आपको क्रॉनिक हिस्ट्री में जाना पड़ेगा,
अगर एक्यूट केस है तो एक्यूट में जाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अभी अभी क्या हुआ, मेरे पास एक केस चल रहा था रूमाटॉइड अर्थराइटिस का। तो रूमाटॉइड अर्थराइटिस का जब केस चल रहा था तो उसमें क्या हुआ कि फर्स्ट में वो जो लेडी आई तो उसका सारा मैंने हिस्ट्री लिया, क्योंकि 5 साल से उसको रूमाटॉइड अर्थराइटिस था, जॉइंट जॉइंट में पेन था और पूरा हड्डियां टेढ़ा हो रहा था। तो हिस्ट्री लिया तो उसमें क्या हुआ कि ऑल ओवर उसका सारा फिलिंग कार्सिनोसिन की ओर गया। तो मैंने उसको कार्सिनोसिन 30 का डोज दिया, 1 सप्ताह के अंदर उसका पेन सबसाइड हो गया और आगे जाते जाते जो है ना उसको काफी बेटर रहा, मतलब 3 महीने तक उसको कोई तकलीफ नहीं हुई। लेकिन अभी क्या हुआ कि अभी फिर से ठंड आया और उसका तकलीफ फिर से बढ़ गई, फिर से बढ़ गई। तो अब क्या है कि उसकी जब तकलीफ बढ़ी तो मैं बोला ठीक है आपके पास डोज आप ले लो। अब मैं कार्सिनोसिन का डोज ऊपर नीचे किया, उसको एलएम पोटेंसी चालू किया, 15 दिन निकल गए लेकिन कुछ आराम नहीं। तो फिर मैंने क्या किया, मैं उसको दोबारा केस टेकिंग किया। अब इस केस टेकिंग में मैं देख रहा था कि वो क्या बोल रही है, तो सारा जो भार है ना मैं केस में उसको जबरदस्ती पूछने प्रयास नहीं किया, मैं ये चीज देख रहा था कि वो किस पॉइंट पे ज्यादा भार दे रही है, सबसे ज्यादा वो किस बात को वो बोल रही है। तो वो ज्यादातर अपनी जो बातें बोल रही थी ना वो बड़ा ऐसे कि बस आप दर्द है और कुछ नहीं है, बस आप दर्द को ठीक करो और कुछ नहीं है। बोला कोई टेंशन, पर टेंशन उनसे कुछ नहीं है। अब मैं उसका डीप जा रहा था कि यार रूमेट आर्थराइटिस है इसको अंदर जाना चाहिए, अब कुछ मिल ही नहीं रहता। मैं बोला यार इसको तो बेलाडोना देना ही पड़ेगा, मैंने इसको बेलाडोना दे दिया। अब बेलाडोना 30 दिया, 30 देने के बाद फर्स्ट दिन सेकेंड दिन थोड़ा पेन रहा, थोड़ा थोड़ा कम हो गया, उसके बाद इसका पेन काफी कम हो गया। अभी बेलाडोना 30 देने के बाद दोबारा डोज भी देने की जरूरत नहीं पड़ी, सेटल हो गया, ठीक है। तो हर केस में जो है ना, अब जैसे मैं बता रहा हूँ ना कि आपको जो क्रॉनिक केस है, अगर कैंसर का केस ले रहे हैं तो कैंसर का केस ले रहे हैं तो हमें उस लेवल में जाना होगा, इसकी हिस्ट्री में हमें उस लेवल की मॉर्बिडिटी निकालनी होगी, ठीक है। अगर हम डीप पैथोलॉजी में जा रहे हैं तो हमें डीप केस टेकिंग करना है, एक्यूट में जा रहे हैं तो एक्यूट में करना है। लेकिन क्या है ना कि अभी मेरा माइंड में अभी तक जो अंडरस्टैंडिंग रहा कि अपने माइंड को एक जगह पर बांध के नहीं रखिए, एक जगह पर बांध के रखने से दिक्कत हो रहा है। कई बार हमें रूब्रिक हेल्प करते हैं, कई बार हमें रेपर्टरी हेल्प करते हैं, लेकिन कई बार हमें थीम हेल्प करते हैं, कई बार हम लोग थीम वाइज रेमेडी देते हैं, कई बार हमने लेग डेफोरेटम ऐसे ऐसे केस में प्रिस्क्राइब किया जहां पर रूब्रिक नहीं है, रूब्रिक बहुत कम है। लेकिन वो जब मैं आपको लेग डेफोरेटम बताऊंगा तब आप समझेंगे कि कितना सटीक सटीक, अगर हम किसी चीज को समझ लेते हैं ना, अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो बड़ा आसानी से दे सकते हैं। वहां आप रिपर्टरी भी आपको उतना हेल्प, मतलब अभी क्या है ना कि कोई भी चीज जो है हम लोग एक अंडरस्टैंडिंग बना के चलेंगे कि केवल हम लोग चार्ट बनाना है, तो कई बार क्या है चार्ट के अनुसार से रेमेडी आपको नहीं काम करती। तो कई बार हमें थीम वाइज सोचना पड़ सकता है, कई बार हमें संक्रमण सर का जो सेंसेशन मेथड है उस पे सोचना पड़ सकता है, कई बार हमें क्या है कि जैसे अभी बहुत सारी रेमेडी है, जैसे हाल में ही हमने कलकेरिया आर्ट्स पढ़ा, तो कलकेरिया आर्ट्स का बहुत सारा रूब्रिक है लेकिन प्रूव नहीं, बहुत ज्यादा कलकेरिया आयुर्वेद है या और भी बहुत सारे रेमेडी है। तो हमें क्या है कई बार पीरियोडिक टेबल के अनुसार से उस चीज को समझना रहता है। तो हमें, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि अपने माइंड को बाउंड मत करिए एक जगह पे, आप अपना माइंड को खुला रखिए और हर हर जो है ना हर नॉलेज को लीजिए, हर चीजों को ग्रास्प करिए और अंडरस्टैंड करिए। आपको हर हथियार सीखना चाहिए, आपके पास हर हथियार रहेगा तो आप किसी भी हथियार से उस केस को डील कर सकेंगे, उस केस को क्रेक कर सकेंगे, ठीक है। तो मेरा इतना ही, और आप सब जो है सो मैं इतना ही कहना चाहूंगा, आगे फिर मनोज सर बताएंगे। मनोज सर, रंजीत सर पूछना था एक डीडी बताना, इस चार्ट में वैनिला भी बहुत नजदीक आ रहा था लव फॉर फैमिली केयर वगैरह सब लेके, तो उसका सिर्फ डीडी बताना प्लीज। अरे वानिला, वानिला देखो, अब वानिला बताता हूँ, वानिला रेमेडी क्या है, वानिला क्या है, वानिला आप लोग आइसक्रीम खाए हो संगीता दीदी? यस सर।
आप वानिला देखो, वानिला क्या रहता है ना, एलिमेंट्स फ्रॉम केयर वरी एंड लव्ड वन, है ना। वानिला ड्यूटी में है, वानिला एप्रिसिएशन डिजायर में है ना। वानिला वेनिला बहुत ज्यादा केयरिंग रेमेडी है, लेकिन उसका क्या रहता है ना, एक डिक्टेटोरियल नेचर रहता है, एक फास्टिडियस नेचर रहता है, एक क्लीनलेस मैनिया रहता है। उसको ये सब जो नेचर रहता है ना, उसको ये प्लूटोनियम से अलग करता है, ठीक है। क्या वेनिला के बारे में आप देखेंगे ना, तो वेनिला इतना ज्यादा फास्टिडियस रहता है, इतना डिक्टेटोरियल रहता है ना, कि सबको वो सिखाती है, सबको समझाती है, ठीक है। केयर तो रहता है वानिला के अंदर, लेकिन उसके अंदर कहीं भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगा। आप देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या वानिला में? नहीं है, मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो वानिला के अंदर ये सब शेड नहीं रहता, लेकिन वानिला का बहुत सारे पिक्चर हो सकते हैं, लेकिन हमने जहां तक वानिला को समझा है कि वानिला जो है सो आपको उसका उसका उसके अंदर भी हार्मिंग रहता है, उसके अंदर भी क्वारलिंग रहता है ना, एंजाइटी चिल्ड्रन रहता है, एंजाइटी फैमिली रहता है, ठीक है। लेकिन उसका बाकी जो शेड है वो ये शेड आपको नहीं मिलेगा जो प्लूटोनियम नाइट्रिकम में है। हाँ, रेज के रूब्रिक नहीं है उसमें कुछ। हाँ, थैंक यू। जब इस बंदे ने बोला, कि मैं गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ, प्यार भी करता हूँ फैमिली को, लेकिन जब गुस्सा आता है तो सब विनाश हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली आपके ये सारे रेमेडीज डीडी हो जाएंगे ना ऑलरेडी, आप ऐसे कैसे सोच सकते हैं? ये सारे तो लव केयर वाले रेमेडीज है ना। यस 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 सर, इसको नेट्रामियो के साथ में भी डीडी करके बता दीजिए सर। अरे नेट्रामियो की डिग्निटी निकाल दो तो नेट्रामियो बचता है क्या? नेट्रामियूर का सारा कोर फीलिंग कहाँ है? डिग्निफाइड में है। कहीं भी लगा क्या डिग्निफाइड? ये हम लोग मार खा गए वो सर ढूंढने में, गलत है। अरे एक कोर फीलिंग होती है ना, उसको उसको देखो, एक रेमेडी की जो होती है ना, आप देखो इग्निशिया, इग्निशिया के अंदर अगर आप मोरल निकाल दो तो इग्निशिया बचेगी क्या? ठीक है सर। हमें एक रेमेडी की जो है ना, एक रेमेडी की जो जान होती है ना, वो जान तो सब में मिलेगी ही मिलेगी। अब आप, मैं आपको अभी क्या शुरू से में ही बताया ना कि आप फ्लोरिक एसिड है, फ्लोरिक एसिड के अंदर आप इतना केयरिंग नेचर खोज सकते हो क्या? खोज ही नहीं सकते यार, कैंथ्रिस के अंदर कहाँ खोजोगे? हाँ, तो अब क्या ना, उसका एक जो बीज पॉइंट है ना, वो बीज पॉइंट तो उसके अंदर रहेगा ही रहेगा, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। नहीं वो सर, वो सब तो ठीक है कि कोर रहो, कोर पकड़ो। कुछ केसेस में अगर कोर नहीं मिलता ना, तब भी तो आप पिक्यूलियर मत छोड़ो ना। इसमें कितना पिक्यूलियर, वो क्या बोल रहा है, सबको प्यार करता हूँ, माँ को प्यार करता हूँ, सबसे अटैच हूँ, लेकिन जब गुस्सा आता है तो सब सर्वनाश हो जाएगा। मतलब ये आपको पिक्यूलियर नहीं लगा? मतलब ये लगता है जो रेमेडीज आपने बोली है उसमें ये आ सकता है? तो जो पिक्यूलियर है ना, हम क्या बोलते हैं, जो रेयर क्यूर है ना, उसका दामन नहीं छोड़ना, उसको पकड़ के चलना, आपको रेमेडी तक मिल जाएगा रास्ता, उसको कभी भी नहीं छोड़ना। सर इसको आप जलसीमियम या स्टमोनियम से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? ओहो, अरे जलसीमियम का पिक्चर ही नहीं है इसमें। अपने मानिक सर बताएंगे जलसीमियम है क्या। मानिक सर है क्या? नहीं नहीं, उन्होंने इसलिए पूछा, वो सेल्फ कंट्रोल इंक्रीज वाली है ना, इसीलिए शायद उन्होंने ये क्वेश्चन रेस किया, लेकिन मैं वही बता रही हूँ ना, जलसीमियम का पिक्चर अलग है। आपसे ही बताना था ना, इसलिए जलसीमियम तो क्लिंग करेगा और पकड़ेगा, और स्टमोनियम भी सेम वही है ना, इसलिए मुझे वो डाउट हुआ था। अरे जलसीमियम और ये आपको अस्टामोनियम कहीं भी इतना केयरिंग, कहीं भी एक भी रूब्रिक बताओ जो अस्टामोनियम इतना केयरिंग में हो, बताओ एक भी रूब्रिक बताओ जो अस्टामोनियम इतना केयरिंग हो। अरे बिल्कुल अस्टामोनियम अलग है। स्ट्रामोनियम में अफेक्टेशन रहता है और जलसीमियम में हेल डिजायर रहता है, उसको लाइट चाहिए रहती है, बहुत फर्क है उसमें। मानिक सर, हाँ बोल रहा हूँ, अस्टामोनियम कहीं भी फैमिली और केयर से रिलेटेड है क्या? कोई नहीं है, और उसका अफेक्टेशन टूटता रहता है ना।
चलो होती है इस ट्राइमोनियम की। तो आगे जो है ना, अगला सेशन में एक और रेमेडी पे लूंगा, अभी बता देता हूँ। नेत्रम म्यूर का वो भाई है, अब रेमेडी निकालना आप सब। नेत्रम म्यूर के बहुत करीब चलता है, लेकिन वो रेमेडी बहुत कम यूज होती है। सर ये सारे रूब्रिक ना ग्रुप में डाल दीजिएगा प्लीज। हाँ हाँ मैं डाल दूंगा। अरे आज मेट्रो वाले भी डाल दूंगा सर। दिलीप सर कुछ बोलेंगे? दिलीप सर कुछ प्लूटोनियम के बारे में बताइए। मनोज सर बताइए। मनोज सर लगता है बाइक चला रहे हैं क्या? एक बात पूछनी थी, प्लूटोनियम माइंड डिसोसिएशन में है, मतलब एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम में, तो ये जो केस आपने बताया इसमें एग्जाल्टेड लव है फैमिली के लिए, तो दूसरा एस्पेक्ट भी देखने को मिलता है सर? मिलेगा ना, बहुत सारे इसमें फेसेट मिल सकते हैं। तो एलुमिना भी तो क्लोज चलता है ना इसके? अरे कहाँ जाते हो आप? अरे यार क्या पूछते हो आप, एलुमिना डिल्यूजन ग्रेट में है, इसमें कुछ है क्या ग्रेटनेस? और पूरा केस आपको देखना है ना। डीडी करते वक्त भी एटलीस्ट वो रेमेडी का कुछ तो फैसेट, उसका उसके नजदीक वाला फैसेट देखो। एलुमिना हॉटी रहता है, ग्रेट समझता है खुद को। Head belongs to other simple, देखो मैं सिंपल बताती हूँ, ये केस को आप ना पूरा भी ना पढ़े ना, इसमें चार पांच चीजें क्या है। मैं बहुत प्यार करता हूँ, मैं सबका बहुत केयर करता हूँ, मैं बहुत कंट्रोल कर रहा हूँ, लेकिन अगर मेरा कंट्रोल टूटेगा ना तो सब सर्वनाश होगा। अब बताओ इसमें वेनिला, कॉकुलस, एल्यूमिना कहाँ से ये रेमेडीज बैठेंगी नहीं इसमें, है ना? तीन चार बातें कितनी सिंपल है, एक रेमेडी बताई जाएगी। चार ही पॉइंट है इम्पोर्टेंट इस केस में जो मैम ने अभी बताया। ये तो That's एक बॉम है जिसके अंदर आग भरी हुई है, जिस दिन उसका तापमान चढ़ गया ये बॉम फूट जाएगा। ये विश्वनाथ का डायलॉग है ना, फिल्म विश्वनाथ का, वो बराबर परफेक्ट है इसमें। जली को आग कहते हैं, बुजी को राख कहते हैं, जिस राख से बारूद बनती है उसको विश्वनाथ कहते हैं। तो ये विश्वनाथ है, जब तक कंट्रोल करते है तब तक नहीं, अगर फूट गया तो फिर गुस्सा बाहर आएगा और फटेगा बम की तरह। संदीप गावटे सर है क्या, आए हैं क्या? दिलीप जानी सर है तो, लेकिन ओपीडी में रहेंगे शायद, बात नहीं कर रहे शायद इसीलिए बात नहीं। संदीप सर मुझे एक बार ये फील बताए थे कि गुस्सा में जो साइड होता है ना, गुस्सा को पकड़ के मनोज सर आए। मनोज सर आए, हेलो अभी आए। हाँ सर। हाँ मैं थोड़ा सा ड्राइव कर रहा था, चेंबर में पेशेंट या कुछ गप करने वाले मिल गए, छोड़ ही नहीं रहे थे, वहां से भागा तो अभी आके सुना। अच्छा आप लोग कोई रूब्रिक डिस्कस कर रहे थे अभी लास्ट जो सुना मैंने, क्या सर जी जाएगा ऐसा कुछ है ना? सर जी आप प्लूटोनियम के आपके पास बहुत केसेस है, वो केसेस शेयर करिए। अरे केसेस अभी निकालने पड़ेंगे, बस अभी निकाल नहीं पाया मैंने। हमारे मेरा दिमाग जो है तुम्हारी तरह इंटेलिजेंट नहीं है, मेमोरी अच्छी नहीं है कि याद रहे सब। तो एक खाली डिस्कस करते, तुमने एक रूब्रिक कोई डिस्कस चल रहा था, कब बम फट जाता है ना, सही बोले थे, गुस्से में बम की तरह फट जाता है, क्या होगा ऐसा है ना? लेकिन आप रूब्रिक देखो, रूब्रिक अलग है। मनोज सर हाँ एक बात मैं बोल लेता हूँ फिर आप बताइएगा। हाँ एक संदीप गावटे सर है, उन्होंने हाँ। मुझे एक थीम दी थी कि गुस्से में जो है ना, गुस्सा में साइड हो जाने वाला, बाहर निकल जाने वाला, दो ही रेमेडी होती है, एक प्लूटोनियम होती है, गैस्ट्रिक सेग्रिया होती है, और ये माइंड में था मेरा। तो थैंक यू संदीप सर, थैंक यू अमोल सर, और ग्रेटिट्यूड महेश चंद्र सर, जिसके चलते ये रेमेडी क्रैक हुई। अभी संदीप सर रहते तो काफी कुछ बताते वो। मनोज सर आप बताइए। नहीं नहीं मैं ज्यादा भी नहीं बता पाऊंगा, बस सिंपल से बता दीजिए।
वो रूब्रिक खाली बोलो आप, रूब्रिक क्या है एकदम एग्जैक्टली पढ़ो क्या है रूब्रिक जी, क्योंकि वहां कुछ गड़बड़ हो रहा है मुझे लग रहा है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। एक रूब्रिक है इसके अंदर डेलुजन बम है ना, डिलीजम बॉम है जस्ट एक्सप्लोडेड। बस अब इसका मीनिंग बताओ, अब इसका मीनिंग बताओ, मतलब बॉम जैसे फटता है ना वैसे ही फटता है। नहीं रुक वो तो छोड़ो, मीनिंग बताओ। चुका है, फट चुका है, जस्ट एक्सप्लोडेड, फट चुका है, जस्ट एक्सप्लोडेड मतलब इसका अंदर बॉम फट चुका है, फटा है अभी अभी फटा है, जस्ट एक्सप्लोडेड अभी अभी ताजा ताजा। और आप लोग मीनिंग क्या बता रहे हो, क्या निकाल रहे हो, फट जाएगा तो क्या होगा, फट जाएगा तो क्या होगा, पूरा मीनिंग का अर्थ का अनर्थ हो गया ना। फिर ये केस में कैसे रिलेट होगा सर? सेकंड रूब्रिक देखो, सेकंड इस केस में नहीं, इस केस में लगेगा ही नहीं, बताता हूँ। अच्छा, इसके बाद का दूसरा रूब्रिक देखो, एंगर ऑल्ट विद ट्रांक्विलिटी बोल के साथ एक रूब्रिक होगी, मैं खोल रहा हूँ, मेरा अभी लैपटॉप अभी मेरा थोड़ा गड़बड़ है, इसका कीबोर्ड एंगर फॉलोड बाय ट्रांक्विलिटी है। हाँ तो है ना, एंगर फॉलोड बाय ट्रांक्विलिटी। Yes. हाँ ये इस केस में भी है, मैंने बोला भी था, रंजीत भाई ने बात काट दी थी मेरी, है ना। अब क्या होगा बताओ रंजीत, इन दोनों को कनेक्ट करो, क्योंकि एक्सप्लोड जो है ना जल्दी से नहीं होता, एक्सप्लोड होता है जब बहुत हद से ज्यादा गुजर जाता है। स्टैफी भी कब एक्सप्लोड करता है, वो भी एक्सप्लोड जैसा ही होता है उसका भी, लेकिन जल्दी से नहीं होता है। लेकिन स्टैफ क्या करता है ना, उसकी पेंटिंग एबिलिटी होती है, आर्ट एबिलिटी के द्वारा अपने गुस्से को छुपाता है और पेंटिंग एबिलिटी के द्वारा उस गुस्से निकलने के बाद भी पेंट कर लेता है। ये क्या करता है, इसका गुस्सा कब निकलता है, जब हद से ज्यादा बर्दाश्त के बहुत बाहर हो जाता है, तब बम की तरह फटता है, और फटने के बाद इसका दिमाग शांत हो जाता है, इसको बहुत अच्छा लगता है। क्या रूब्रिक बोले सर इसमें, तो रिपेंटेंस स्लिप को लेकर के कोई रूब्रिक ही नहीं है। नहीं नहीं, एंगल ऑल्ट विद ट्रैंक्विलिटी देखो एक बार, शायद उसमें है, या कोई एक रूब्रिक है जहां पर, मुझे याद नहीं है। नहीं है, ट्रैंक्विलिटी नाम पे एंगल फॉलोड बाय ट्रैंक्विलिटी है। हां फॉलोड बाय ट्रैंक्विलिटी, फॉलोड बाय ट्रैंक्विलिटी, हां हां सिंगल है। अब ये दोनों रूब्रिक कनेक्ट करो, तुम्हारा इसका ये मिल जाएगा, ये तुम्हारे वो स्टेज है प्लूटोनियम के जब वो एक्सप्लोड करता है, कंप्लीट में नहीं मिल रहा है। और ये इसमें है, सिंथेसिस में है, सिंथेसिस में, कि मैंने जो तुम्हारा जो तुम्हारा जो केस था ना उसमें मैंने चार रूब्रिक्स लिए थे, और ये यहाँ पर कैल्क्रिया फ्लोर के शुरू शुरू में बहुत पास है, क्योंकि इससे एंग्जाइटी मनी मैटर सपोर्ट बहुत ज्यादा है और रेस्पॉन्सिबिलिटी एग्रावेशन है, और एक रूब्रिक मैंने कुछ लगाया था सिक्रेटिव, तो पांच मेडिसिन आ रहे थे, फिर अटैच टू मदर्स लगाने से कंप्लीट प्लूटोनियम अलग हो जाता है। और शायद ये जो केस है ना, ये केस में ये जो रूब्रिक है, ये रूब्रिक लगेगा एंगर फॉलोड बाय ट्रैंक्विलिटी, गुस्सा के बाद फिर साइड में जाकर के शांत हो जाता है म्यूजिक सुन के। है? तो ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या हो रहा था ना कि डिस्कशन जो हो रहा था वो रूब्रिक को एकदम एग्जैक्ट मीनिंग समझ के पढ़ो, वरना सब अर्थ का अनर्थ निकाल देंगे। लेकिन इस ये जो रूब्रिक है सर, डिलूजन बॉम्ब जस्ट हैज एक्सप्लोडेड, ये इसमें कैसे कनेक्ट होगा, इसको तो मैं तुम्हारे केस में था ही नहीं, मैं तुम्हारे केस की बात नहीं कर रहा, चूंकि ये डिस्कस चल रहा था तो वो सुना मैं अभी जस्ट बाइक से उतरा, अभी बाइक में अंदर डाल रहा था तो मैं सुन रहा था, मैंने चलो जाके एक बार बोलते हैं, क्योंकि थोड़ी सी भी ये होने से फिर वही दिमाग में चलता रहेगा, लोग वही सीख जाएंगे। इसको इसको रिलेट करिए ना पूरा इससे, तो और भी बहुत मैंने कुछ कोशिश भी की थी इसको बताने की, लेकिन सुनी नहीं गए शायद उनकी बात। राइट आसमा मैम? जी जी कोई बात नहीं सर, कुछ बता रहे थे रंजीत सर। हाँ, तो ये अभी ये जो रूब्रिक है सर, जैसे अभी एक रूब्रिक मिला एंगर फॉलोड बाय ट्रैंक्विलिटी, तो ये केस में ये रूब्रिक तो पक्का मिलता है, क्योंकि ये गुस्सा कर रहा है और गुस्सा को साइड में जाके शांत भी कर रहा है, मतलब ये अल्टरनेट स्टेट तो है इसका, फॉलोड बाय ट्रैंक्विलिटी है।
ऑल्टरनेट नहीं है, मतलब एक स्टेट में गुस्सा है और दूसरे स्टेट में जो वो आगे जाता है तो वो ट्रैंक्विलिटी में बदल जाता है। मैंने ऐसा है ना, लोग पेशेंट बोलते हैं ना कई बार, डॉक्टर साहब जब एकदम गुस्सा वुस्सा होंगे एकदम गाली वाली दे लेंगे सब ये कर लेंगे, फिर दिमाग शांत हो जाता है, फिर मन हल्का हो जाता है, मन हल्का। अब समझ में आया क्या इसका वर्जन होगा? और ये इतना कॉमन वर्जन मैक्सिमम पेशेंट बोलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं। एंगर एंगर और एंगर रंजीत भाई आपने आपने सुना होगा कुछ पेशेंट बोलते हैं ऐसा, गुस्से के बाद शांति मिलती है। हाँ, तो वो जो ट्रैंक्विलिटी है ना रंजीत भाई, वो ट्रैंक्विलिटी जो है ना वो इतनी ठंडी शांति होती है ना गुस्सा निकालने के बाद, वो लानी पड़ती है अंदर, ट्रैंक्विलिटी लानी पड़ती है, तो वो लाता है अपने अंदर वो। तो फॉलोड भाई खत्म होने के बाद इस केस में जो है ये तो म्यूजिक सुन करके साइड में जाके तो वो ट्रैंक्विलिटी ही तो ला रहा है ना। रूबिक क्या, बस रूबिक बोलो। एंगर फॉलोड बाय ट्रैंक्विलिटी, ये नहीं म्यूजिक वाला क्या रूबिक बताया तुमने? म्यूजिक एम्यूरेशन म्यूजिक डिजायर। तो वो कैसा म्यूजिक चाहिए प्लूटोनियम को, किस म्यूजिक के लिए तरस रहा है वो? नहीं ऐसा तो रूबिक मैंने नहीं देखा, लेकिन वो राग सुनता है वो, बहुत जो धीमी संगीत वाला जो फ्लूट होता है ना वो सुनता है, वो सुनता है ना, लेकिन उसको कैसा म्यूजिक पसंद है लेकिन घर से उसको मिल तो नहीं। वहां यहाँ पर मेटाफोरिकल लेना पड़ेगा, उसको आईपीआर से कैसे म्यूजिक की जरूरत है, लेकिन आईपीआर कैसा म्यूजिक? हार्मनी वाली, प्यार वाली, शांति वाली। हाँ दे रहा है क्या आईपीआर उसको? नहीं, बस वही तो है सारा खेल। जबरदस्त मस्त, थैंक यू सर। सारा खेल तो वहीं पर है, वो म्यूजिक से क्या मतलब है, कौन सबको अच्छा लगता है, मोहम्मद रफी का सुनना सबको अच्छा लगता है, लता का सुनना सबको अच्छा लगता है, बल्कि झिकझक वाले कुछ कुछ मिलेंगे। अरे अभी वो अपर्णा बहन ने एक रूब्रिक डाला है, म्यूजिक डिजायर प्लेइंग कंट्रा बस डबल बस, ये कौन सा म्यूजिक होता है, उसमें सिंगल प्लूटोनियम है। क्या है कंट्रा? कंट्रा बस मैं पहली बार सुन रहा हूँ, डबल बस मीनिंग देखो, धड़ाकेबाज म्यूजिक होता है ये, धड़ाकेबाज स्फोटक। अच्छा ये तो उल्टा हो गया फिर। हाँ तो सब स्टेज होगा ना, कब सुनेगा वो, कब सुनेगा। अच्छा संदीप सर, आपको आपको प्लूटोनियम बहुत पता है, कुछ इसका बताइए मूल। किसका? प्लूटोनियम नाइट्रिकम का। नहीं आपने बताया ना सर अभी। अरे आप कुछ बताओ इसमें। रंजीत सर आप सारे का सारा मटेरियल बता देंगे, फिर हमको पूछेंगे तो हम वोट ऑफ थैंक्स देंगे बस लास्ट में आके। अभी अभी बताया ना रंजीत सर ने, बहुत बताया भारी। और देखो ना इसमें रंजीत एंगल सर आपको तो सुनना है थोड़ा सा। हाँ हमारे पास एक है ना एंगल इंटरनल, आपसे भी सुनना है थोड़ा सा। संदीप सर आप बहुत अच्छे अच्छे वो क्या कहते हैं पिक्चर डाल डाल के रूब्रिक बताते रहते हैं। रील्स रील्स आपको भी करना ही पड़ेगा। अब प्लूटोनियम कर रहा हूं मैं। हाँ और रंजीत देखो तुम्हारा जो रूब्रिक बता रहे थे ना, बम फटने के पहले क्या होता है, एंगर को कंट्रोल करना पड़ता है। एंगर कंट्रोल बिंग में देखो प्लूटोनियम है, लेकिन कंट्रोल करने के बाद अवस्था आएगी ना, बेलून के अंदर हवा भरोगे एक स्टेज जब बेलून फटेगा ठीक है, तो ये भी फटता है, उसके बाद ये शांत हो जाता है। मनोज सर आप कैमरा ऑन कर लीजिए ना। अरे खाना खा रहा हूं एक और खाना खा रहा हूं एक लाने से
आज आज प्लूटोनियम का एक फेसेट तो हम लोग सीखे, और मुझे लगता है कि लोग इसमें डीडी करेंगे और ये रेमेडी अगर कोई अपने केस में इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर शेयर करेंगे। प्लूटोनियम का एक रूब्रिक का मीनिंग बताओ, अब बहुत इसकी जान है प्लूटोनियम की, एक रूब्रिक है ना जिसमें वो आत्मा अलग हो जाती है, आत्मा अपने शरीर को देख रही है। डिल्यूजन बॉडी आउट ऑफ द बॉडी लाइंग इन द बेड वेन, एक और रूब्रिक है जिसमें आत्मा अलग हो जाती है, ऐसा भी कुछ रूब्रिक है, डिफरेंट याद नहीं आ रहा। बिल्कुल डिफरेंट माइंड डिसोसिएशन की बात कर रही थी आपसे, कि इसमें दो स्टेट होती है, कि एक स्टेट में जिस तरह सिचुएशन रहता है उसको प्लूटोनियम अडॉप्ट वो करता है, जैसे यहाँ पे एग्जाल्टेड लव मिला आपको, केयर्स फॉर द फैमिली, एक वैसा भी फेस होता है जहाँ वो पूरा अपोजिट हो जाएगा। हर तरह के फेज आते हैं लाइफ में, तो लोगों की सिचुएशन बदलती है तो व्यवहार भी बदलता है, लेकिन मेडिसिन वही रहती है। समीना मैम आपने जो पूछा ना, वो जितना केयर फैमिली के लिए है, अटैच मदर को है ना, उसके कुछ रूब्रिक्स हैं, देखना, डिटैच सेंसेशन ऑफ बीइंग, स्ट्रेंज फैमिली टू हिज, इंडिफरेंस फैमिली टू हिज, इंडिफरेंट वर्क, इफ इंडिफरेंस टू लाइफ, ठीक है, अनसिंपथेटिक टू फैमिली, ये भी रूब्रिक्स हैं उसमें, इसमें दोनों फैसेट हैं, आप जो बोल रही है ना, आप जो बोल रही है ना, तो वहां वो एलुमिना से कनेक्ट करता है। हाँ बाबा, हाँ आपका एलुमिना गलत है ये नहीं बोला इस केस में, इस केस में ये बोला गया कि अगर एक बंदा ऐसा बोलता है कि अरे मैंने इस केस में ये बताया है, जो बहुत पीक्यूआरएस हो ना, जो बहुत पीक्यूआरएस हो, वो बोल रहा है कि मैं फट जाऊंगा तो सर्वनाश हो जाएगा, तो उस चीज को क्यों छोड़ा गया, ये पूछा गया, बस इतना ही बोला। नहीं समीना मैन, अभी क्या है ना कि एक रेमेडी के जो है ना बहुत सारे फेसेट होते हैं, हो सकता है कि प्लूटोनियम नाइट्रिकम का दूसरा जो फेसेट हो वो एल्यूमिना के बहुत करीब चलती हो, या हो सकता है उसके आगे आने वाला जो फेसेट है वो और सारी रेमेडी के बहुत करीब चलती हो, ये हो सकता है अभी, क्योंकि हमने एक फेसेट को समझा है, उसका पूरा रेमेडी को तो अंडरस्टैंड तो किया ही नहीं है अभी, जैसे उसका डबल पिक्चर मिल रहा है, थोड़ा पड़ा है तो उस हिसाब से आपको बोल रही हूँ कि जिस तरह से आपने बोला ना कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट उसमें रहता है और ये बम ब्लास्ट होता है, तो इसमें एक प्रॉपर्टी होती है इंटरनल कोरोडिंग की, मतलब ये इंटरनलाइज होती है चीजें, तो इसलिए उसके इंटरनल ऑर्गन्स ये होते हैं जब वो चीजें इंटरनलाइज करता है, तो ये उसका मतलब थोड़ा फिजिकल एस्पेक्ट ये हो जाता है, वर्किंग उसकी जिस तरह से वो काम करता है, नहीं यहाँ भी इंटरनलाइज हुआ ना उसका गुस्सा, अंदर गया तो, उसके अंदर की चीज को करोड किया वो गुस्से ने, और अंदर की चीजें वो स्टोन के फॉर्म में आई, वो बात सही है सर कि वो चीज नहीं पिकअप किए, वो बात आपकी बिल्कुल सही है कि वो पूरा 1-to-1 पिकअप होना चाहिए था ये केस में। रंजित अश्वत्थामा याद है? हाँ याद है। क्या किया था लास्ट में, उसके बाद कैसे लाइफ मिली थी? बहुत बहुत नरक वाली लाइफ मिली थी उसको, है ना? तो वो मौत के लिए इंतजार कर रहा है, लेकिन मौत आ नहीं रही है, मौत नहीं आ रही है। डिल्यूजन डर्टी ही इज एंड डिल्यूजन डाई वेटिंग टू डाई बीइंग ओल्ड एंड, तो क्या उसके लाइफ देखो क्या है, उसने उसको जो है बाद में उसके पास दोनों तरह की फीलिंग चलती है, क्योंकि बम है ना फटता है तो बहुतों को मारता भी तो है, नुकसान भी करता है, जब गिल्ट फीलिंग भी उसकी एक होगी, खुद मरेगा दूसरों को भी खत्म करेगा, खत्म करेगा ना, इससे रिलेटेड देखो बहुत सारे रूब्रिक्स होंगे, तो उस तरह की फीलिंग भी आती है, तो इसके इतने सारे फैसेट है ना प्लूटोनियम के, तो एक केस के माध्यम से सीखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, मैं अब केस निकालना पड़ेगा मेरे को, थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ मैंने इसको निकाल करके पढ़ने का प्रयास किया था, तो एक मुझे लीजा, डॉक्टर लीजा ये जो है अमेरिका की हैं, उनका मिला था, लेकिन मैं उस केस को अंडरस्टैंड कर रहा था, लेकिन टाइम ओवर हो गया इसलिए मैं नहीं कर पाया, उसमें ये डबल पिक्चर दिखाया गया है कि कैसे प्लूटोनियम एक साइड उसका अलग रहता है और दूसरा साइड अलग रहता है, तो मतलब ड्यूअल सेंसिटिव
डुअल आइडेंटिटी ऐसा मिला था उसने वो पिक्चर एनाकार्डियम होता है ना वैसा इसमें भी है देखो एक रूब्रिक है डेलुजन फेसेस सीज वॉरियर्स एंड पीस मेकर्स एक साथ में दोनों तरह की बातें चल रही हैं कैसे चेहरे देख रहा है एक और लड़ाकू लोग खड़े हैं और एक और शांति के लिए लोग खड़े हैं अकेली मेडिसिन है वो एलिमेंट बुक पे भी मेंशन है ये चीज कि द वर्ड ऑफ गोस्ट एंड स्पिरिट्स मतलब दो फेस होते हैं इसके अगर गोस्ट की तरफ जाएगा तो एक वो अलग फेस होगा और अगर एक आत्मा की तरफ स्पिरिट की तरफ जाएगा तो वो एक अलग फेस होगा अकॉर्डिंग टू जैसा मैंने पढ़ा अभी और कई बार ये बीच में लटक जाता है दोनों फेसेट के बीच में एक त्रिशंकु की हालत हो जाती है उसकी बिल्कुल तो, जैसे अगर हम प्लूटोनियम को देखें तो जरूरी नहीं है कि हर एक सिम्टम हमको पीक पे ही मिलेगा हमारे पास एक रूब्रिक है डिल्यूजन डार्क बैलेंसिंग विद द लाइट प्लूटोनियम सिंगल रूब्रिक है उसमें मीनिंग क्या हुआ मैम इसका डार्क बैलेंसिंग विद लाइट मतलब शायद वो अभी वो जो गुस्से में है बैलेंसिंग विद लाइट आप लोग कंटिन्यू करो मैं जाता हूं क्या हुआ रंजीत जल्दी नहीं सर मेरा क्लिनिक बंद करना है सारे क्लिनिक यहाँ बंद हो गए हैं सारे ना 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 फिर घर निकलो घर जाके फिर करते हैं हम लोग तो घर पहुंच गए हाँ मैं क्लिनिक में ही हूँ ना मैं इसलिए भागा ना वहां से कि एक तो मच्छर काट रहे थे दूसरे कोई ना कोई आ जा रहा था सुन पाया ही नहीं कुछ तो आप लोग कंटिन्यू करो सर संदीप सर कंटिन्यू कीजिए एक बार मनोज सर जी वो फेसेस रिपीट कीजिए और डिल्यूजन दोनों फेसेस को क्या रिपीट था वो रिपीट कीजिए ना प्लीज डिल्यूजन फेसेस सीज वॉरियर्स